जैसा कि आपको मालूम है कि सेमिनार की ये सीरीज हमने मुनक्की की है जिसमें स्पोर्ट्स से मुतल्लिक मुख्तलिफ मौजूदात पे गुफ्तगू जारी है। इसका मकसद स्पोर्ट्स और फिजिकल एजुकेशन के जो लोग हैं और प्रोफेशन से मुंसलिक हैं उनके अंदर इसमें प्रोफेशनलिज्म की अप्रोच को फ़रोग देना है और उनकी प्रोफेशनलिज्म को आगाही करते हुए उनकी नॉलेज और स्किल को जो है बढ़ाना है। और ये नॉलेज और स्किल्स कैसे बढ़ सकती हैं और इनकी क्या अहमियत है, ज़रूरत है। हमें जैसे मालूम है सबको कि गुज़श्ता 2 से 3 दहाइयों में जिस रैपिड अंदाज में दुनिया के हमारी सोसाइटी के हर शोबे में चेंजेस आई हैं, तरक्की हुई है, स्पेशलाइजेशन हुई है, इनोवेशन है, क्रिएटिविटी है, इस सब चीज़ों ने हर शोबे को स्पेशलाइज कर दिया है। और इसी तरह स्पोर्ट्स का शोबा भी वक्त के साथ साथ स्पेशलाइज हो चुका है और इसकी बहुत सी ब्रांचेज और इसका इटसेल्फ एक डिसिप्लिन इमर्ज हुआ है। और इसके साथ साथ इसके साथ बहुत से इंटर डिसिप्लिनरी जो है मैटर्स जो है इसके साथ इंटरफेस हुआ है और उन सब के अंदर जो है स्पेशलाइजेशन जो है स्पोर्ट्स के ही डिसिप्लिन के तहत हो रही है, जिसके वजह से स्पोर्ट्स एक पूरी साइंस बन चुकी है। और इसके अंदर जो है हमें अपने आप को जो लेटेस्ट रिसर्च है और जो लेटेस्ट जो है इसके अंदर डेवलपमेंट है उसके साथ अलाइन करने की ज़रूरत है। लेकिन बदकिस्मत हमारे यहाँ दूसरे डेवलपिंग कंट्रीज़ की तरह स्पोर्ट्स के मैदान में हमने अपने आप को उस तरह से अलाइन नहीं किया, जिसकी वजह से हम अब स्पोर्ट्स की जो इंटरनेशनल जो हमारी वैल्यू या फेस था वो हम जो है लूज़ कर चुके हैं। इसी तरह से हमारे यहाँ नेशनल लेवल के ऊपर भी और इवन ग्रास रूट लेवल तक हम देखते हैं तो प्रोफेशनलिज्म की वो कोई भी खसूसियात हमें नज़र नहीं आती जो कि एक स्पोर्ट्स की जो मॉडर्न जो है कॉन्सेप्ट में हमें वेस्टर्न वर्ल्ड में और डेवलप्ड कंट्री में नज़र आती है। हम उम्मीद करते हैं कि हमारे ये सेमिनार्स और हमारे इन एक्सपर्ट्स की गुफ्तगू जो है आपको इन इश्यूज के ऊपर और इन मौजूदात के ऊपर एक अच्छी मालूमात प्रोवाइड करेगी और आप इससे मोटिवेट होकर इसके अंदर मजीद अपने आप को प्रोफेशनल अप्रोच के साथ अपने नॉलेज को, अपने स्किल्स को अपग्रेड करेंगे, मॉडर्न नीड्स के साथ अलाइन करेंगे और एक अच्छा कैरियर अपनाएंगे जिसमें आपको ग्रोथ होगी, आप एक्सेल होंगे। और ना सिर्फ ये आपके अपने लिए बेहतर होगा बल्कि ये हमारे मुल्क के खेलों के अंदर मुल्क की जो खेलें हैं उनके स्टैंडर्ड्स को बुलंद करेगा और अल्टीमेटली जैसे हमारे जो एथलीट हैं उनकी परफॉर्मेंस पे असरात आएंगे और जो कि हमारे लिए हमारे मुल्क के लिए दुनिया में नाम रोशन कर सकेंगे। इस तनाजुर के अंदर हमने लास्ट वीक में 2 सेमिनार किए। पहला सेमिनार COVID-19 के परस्पेक्टिव में हमने कोशिश की कि किस तरह से चैलेंजेस हैं, किस तरह के मसाइल हैं और किस तरह की जो है अपॉर्चुनिटीज़ हैं उसको हम एक्सप्लोर करें और देखें कि किस तरह से हम इन हालात के अंदर रहते हुए भी स्पोर्ट्स के अंदर अपना प्रोग्रेस कर सकते हैं। हमारा दूसरा सेमिनार होलिस्टिक अप्रोच टू एथलीट डेवलपमेंट था, जिसमें हमने इस अप्रोच को कि एक कंप्लीट जो है जो आइडिया है एथलीट डेवलपमेंट का, चाहे वो हमारी फिजिकल फिट ट्रेनिंग हो, टेक्निकल ट्रेनिंग हो, फिटनेस की बात हो, उसकी न्यूट्रिशन फूड की बात हो, सप्लीमेंट्स की बात हो, डोपिंग की बात हो, या उसकी साइकोलॉजिकल नीड्स की बात हो, उसकी इकोनॉमिक कंसिड्रेशन हो या उसके इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हो, उन पे हमने गुफ्तगू की और ये जानने की कोशिश की कि ये तमाम जो फैक्टर्स हैं किस तरह से जो एथलीट है उनकी परफॉर्मेंस को के ऊपर इम्पेक्ट करते हैं। आज के सेमिनार के अंदर जैसे कि आपको मालूम है कि स्पोर्ट्स मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन जो है ये एक इंटरचेंजेबली ओवरलैपिंग किस्म के आइडिया हैं, इसमें किसी हद तक कंफ्यूजन पाई जाती है। तो हम कोशिश करेंगे कि हमारे ये 2 दिन के सेमिनार आज का और कल का हम इसके ऊपर गुफ्तगू करें। आज हम स्पोर्ट्स मैनेजमेंट को फोकस करेंगे और हमने दावत दी है इसमें एक्सपर्ट्स को। और जैसे कि मैंने बताया कि हमारे ये प्रोग्राम डायरेक्ट यूट्यूब पे और फेसबुक पे स्ट्रीम होते हैं, हमारे ऑडियंस की जो है फीडबैक भी आ रही है, हमें इंकरेजमेंट भी मिल रही है और हमारी वीकनेसेस को लोग बड़े अच्छे अंदाज में आइडेंटिफाई भी कर रहे हैं। इसमें बड़ी अहम बात जो हमें उन्होंने 2 फीडबैक आपसे शेयर करना चाहूँगा अपने एक्सपर्ट से भी कि उन्होंने हमें कहा कि आप अपने इस सेक्शन को
अपनी सेशन को इंटरेक्टिव बनाएं और ज़्यादा से ज़्यादा आप इसको अंदर डिस्कशन जनरेट करें, ताकि जो एक्सपर्ट्स हैं उनके ख्यालात के अंदर भी जो है आर्गुमेंट्स और काउंटर आर्गुमेंट्स से लर्निंग हो सके, और जो हमें क्वेश्चंस आते हैं उनका भी साथ साथ जवाब मिल सके, तो एक लाइवली और इंटरेक्टिव इंटरेस्टिंग सेशन हो सकेगा। हमने की है दूसरी बहुत अहम जो एक सजेशन थी कि आप ज़्यादातर पीएचडी और एमफिल लोगों को ला रहे हैं, आपको चाहिए कि आप फील्ड के लोगों को जिनका मैदान में तजर्बा हो उनको आप दावत दें, ताकि बुक के और एकेडमिक नॉलेज से हट के जो फील्ड के रियल जो है चैलेंजेस हैं उनको भी सही तरीके से अंडरस्टैंड किया जा सके। मैं बड़ा ममनून हूँ अपने एक्सपर्ट्स का, आपका तरफ कर आता हूँ अभी मैं, जिनका ना सिर्फ ये कि वो एकेडमिकली स्ट्रांग है बल्कि वो उनका कई दहाइयों पर मुश्तमिल जो है फील्ड का तजुर्बा भी है। मैं अब तारुफ कराता हूँ, अपने मेहमानों को खुश आमदेद कहता हूँ। हमारे सबसे पहले मेहमान हैं आमिर बिलाल साहब, जो कि सीईओ हैं स्पोर्ट्स डेवलपमेंट फाउंडेशन के और फाउंडर हैं। उन्होंने एमफिल किया स्पोर्ट्स कोएग्जिस्टेंस एंड कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट में स्पेन से, और वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मीडिया एडवाइज़र भी हैं और IOC के सर्टिफाइड बास्केटबॉल के कोच भी हैं। वो इस वक्त डायरेक्टर मीडिया एंड कम्युनिकेशन की एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं और अपनी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको स्पोर्ट्स डेवलपमेंट के लिए उसके लिए भी काम कर रहे हैं। खुश आमदीद कहते हैं जनाब हम आमिर बिलाल साहब को। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें मौका दिया, हम आपके एक्सपर्टीज से और आपके जो फील्ड के एक्सपीरियंस से हम फ़ायदा उठाएंगे। बहुत शुक्रिया अबू जफर सर। हमारे दूसरे मेहमान जी, थैंक यू सर, हमारे दूसरे मेहमान हैं शहबाज इब्राहिम साहब, जो कि एमफिल हैं सोल और कोरिया से स्पोर्ट्स मैनेजमेंट में और हेड ऑफ डिपार्टमेंट हैं ओकाड़ा यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट ऑफ स्पोर्ट्स साइंसेज के। शहबाज इब्राहिम साहब जो है वो एथलीट भी रहे हैं और रोइंग के कोच भी हैं रहे हैं IOC के सर्टिफाइड, और इनका भी एक्सपीरियंस कई दहाइयों पर मुश्तमिल है फील्ड के अंदर, और ये फेडरेशन के रोइंग फेडरेशन के आजकल सेक्रेटरी हैं और इससे पहले कई कैपेसिटी में फेडरेशन के साथ कोच के अलावा भी फ्राइज सर अंजाम दे सके हैं। वेलकम टू द सेमिनार सर शहबाज साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें मौका दिया। थैंक यू अबू जफर साहब फॉर अ कॉम्प्रिहेंसिव इंट्रोडक्शन, थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी एंड गिविंग मी एन अपॉर्चुनिटी टू बी पार्ट ऑफ दिस प्रोग्राम। I hope ke we will be able to give our viewers some insight view of the sports management. Ye term kya hai, how we take it when we will be in the discussion. Thank you very much for giving me the thank opportunity. Thank you sir. Hamare sath teesre mehman resource person Tariq Sidhu sahab, jinhone MPhil sports sciences mein kiya hai aur wo lecturer hai level 1 ke एथलेटिक्स के, और वो कोच है लेवल 4 के इंटरनेशनल जो एथलेटिक्शन है उनके, और जिन्होंने डिप्लोमा किया है कोचिंग में जर्मनी से, और अभी भी ये जो है कई दहाइयों से स्पोर्ट्स के मैदान से मुंसलिक हैं। आपको भी खुश आमदेद कहते हैं सर तारिक सिद्धू साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपने मौका दिया। थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी टू शेयर माई व्यूज विद यू, थैंक यू वेरी मच जी। जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया कि स्पोर्ट्स मैनेजमेंट आज हमारा टॉपिक है, और स्पोर्ट्स मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन जो है ऐसी दो टर्मिनोलॉजीज हैं जो कि इंटरचेंजेबली भी यूज़ होती हैं, और इनके जो कॉन्सेप्ट्स हैं ये ओवरलैप भी करते हैं। तो इससे पहले कि हम पाकिस्तान के अंदर स्पोर्ट्स कैसे मैनेज हो रही हैं उस पर बात करें, हम कोशिश करेंगे अपने एक्सपर्ट्स के ज़रिए कि हम इस चीज़ में क्लैरिटी ला सकें कि स्पोर्ट्स मैनेजमेंट क्या है और स्पोर्ट्स एडमिनिस्ट्रेशन क्या है। आज हम ज़्यादा फोकस स्पोर्ट्स मैनेजमेंट पे देंगे, पाकिस्तान में किस तरह हो रही है और इंटरनेशनल क्या प्रैक्टिसेज हैं, और कल हम जो है स्पोर्ट्स एडमिनिस्ट्रेशन की बात करेंगे। तो मैं बिलाल साहब से रिक्वेस्ट करूँगा कि वो हमें ज़रा क्लैरिटी ला के दें इन दोनों टर्मिनोलॉजीज़ में कि स्पोर्ट्स एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट में क्या फ़र्क है। जनाब बिलाल साहब आप हमें कुछ बताएंगे इस बारे में।
अबू जफर साहब, सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया कि आपने तमाम मेहमानों का इतना कॉम्प्रिहेंसिव इंट्रोडक्शन कराया, बैकग्राउंड बताई। और सच्ची बात है कि मुझे बड़ा लुत्फ आ रहा है, ये इतना अच्छा फोरम आपने क्रिएट किया है, द क्रेडिट गोज़ टू यू। क्योंकि थैंक यू जब सर। आप ऐसे लेवल पे बात करते हैं जहाँ पे आपको हम ख्याल लोग मिलते हैं जिनके साथ आप अपने थॉट्स को शेयर कर सकें और फिर कम्युनिकेट कर सकें फर्दर, ताकि लोगों को चीज़ों के बारे में बेहतर पता चल सके, तो ये एक बहुत नोबल कॉज है जिसका आपने आगाज़ किया है। एंड माई ऑल कॉम्प्लीमेंट्स फॉर यू फॉर दिस इनिशिएटिव। आई नो आपने इसमें बहुत मेहनत की है, तो बहुत बहुत आपको मुबारक हो और बहुत शुक्रिया आपका मुझे भी इनवाइट करने का इस फोरम पे। थैंक यू जैसे सर। कि आपने अभी बात की, कमिंग स्ट्रेट टू द टॉपिक, स्पोर्ट्स मैनेजमेंट एंड स्पोर्ट्स एडमिनिस्ट्रेशन, बेसिकली ये दोनों टर्म्स इंटरचेंजेबल हैं। मुझे बुनियादी तौर पे खुद जो स्पोर्ट्स मैनेजमेंट का इत्तेफाक हुआ वो यूनिवर्सिटी ऑफ लुइविल से हुआ, जो जहाँ पर के दुनिया की बहुत बड़ी अथॉरिटीज जै लाइक डॉक्टर मैरी हम्स, जिनके साथ मुझे कुछ अर्सा काम करने का मौका मिला। तो स्पोर्ट्स मैनेजमेंट जो है मेरे नज़दीक वो एक ज़्यादा होलिस्टिक टर्म है, क्योंकि इट इज़ मोर स्ट्रेटेजिक इन नेचर। और ये क्योंकि ज़्यादा शुरू अमेरिका और फिर यूरोप में हुई, जहाँ पर के बिजनेस ओरिएंटेड अप्रोच है टुवर्ड्स स्पोर्ट्स, तो उन्होंने इसको स्पोर्ट्स मैनेजमेंट का नाम दिया। ये बिल्कुल, इसका फ़र्क अगर मैं एक आम आदमी के लिए बयान करना चाहूँ तो वो बिल्कुल इस तरह है जैसे आपको MBA और MPA में फ़र्क नज़र आता है, कि बहुत सारे जो सब्जेक्ट्स हैं MBA के वो वही हैं जो MPA के हैं, लेकिन MBA बिजनेस ओरिएंटेड है और MPA जो है वो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, वो गवर्नमेंट ओरिएंटेड है। उसमें सब्जेक्ट्स आ जाते हैं लाइक लोकल गवर्नमेंट और इस किस्म की चीज़ें आ जाती हैं। अब जहाँ तक स्पोर्ट्स मैनेजमेंट का ताल्लुक है, ये मेरे नज़दीक, मैं इसमें इसकी थोड़ी भी डिटेल में मैं जाता हूँ, लेकिन इससे पहले कि मैं इसकी डिटेल में जाऊँ स्पोर्ट्स मैनेजमेंट की, और थोड़ा फ़र्क भी वाजिया करूँ आपको स्पोर्ट्स एडमिनिस्ट्रेशन के साथ इसका, देखिए इनमें से कोई भी टर्म को उठाने के लिए सबसे पहले हमें ये डिसाइड करना होगा कि हमारा स्पोर्ट्स के बारे में क्या व्यू पॉइंट है, क्या विजन है, हम क्या सोचते हैं कि स्पोर्ट्स हमारे मुल्क में है क्या। सारी दुनिया में स्पोर्ट्स जो है वो एक ह्यूमन इंटेंसिव इंडस्ट्री है। जब मैं ये कहता हूँ कि स्पोर्ट्स एक ह्यूमन इंटेंसिव इंडस्ट्री है, तो उसके अंदर वो तमाम अफराद इन्वॉल्व हो जाते हैं जो कि ह्यूमंस हैं, लाइक प्लेयर्स, कोचेस, मैनेजर्स, रेफरीज, लाइनमैन, एम्पायर्स, स्कोरर्स, जजेस, अपील करने वाली ज्यूरी, स्पेक्टेटर्स, मार्केटिंग के लोग, टेलीविजन का स्टाफ, हर शख्स जो इसमें इन्वॉल्व है मास वाई इक्विपमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर के, वो ह्यूमन बीइंग है। सो इट्स अ ह्यूमन इंटेंसिव इंडस्ट्री। अब जब आप ये कहते हैं कि इट्स अ ह्यूमन इंटेंसिव इंडस्ट्री, तो इसको ऑर्गेनाइज करने के लिए और इसको फैसिलिटेट करने के लिए और इसको प्रमोट करने के लिए वो पूरा एक मैनेजमेंट प्रोसेस, जो बहुत सारे हमारे स्टूडेंट्स, बात एकेडमिक किस्म की है लेकिन इसको टच करना ज़रूरी है, क्योंकि स्पोर्ट्स मैनेजमेंट में वही प्रोसेसेस इन्वॉल्व होते हैं जो एक नॉर्मल मैनेजमेंट प्रोसेस में होते हैं, जैसे प्लानिंग है, ऑर्गेनाइजिंग है, स्टाफिंग है, लीडिंग है, मोटिवेटिंग है, कंट्रोलिंग है, कम्युनिकेटिंग है और ऑब्वियसली डिसीजन मेकिंग है। सो ये सारी चीज़ें जो हैं ये मिलके एक मैनेजमेंट प्रोसेस को जन्म देती हैं और इसी से आगे फिर स्पोर्ट्स मैनेजमेंट जो है वो चलती है। बहरहाल, अगर हम टिपिकली स्पोर्ट्स मैनेजमेंट की बात कर लें, तो इसमें एक अथॉरिटी है जिसका नाम है पार्क्स एंड क्वेन। इसने 1988 में स्पोर्ट्स मैनेजमेंट की एक बाइफरकेशन दी जो मुझे ज़ाती तौर पे बड़ी पसंद है। उन्होंने स्पोर्ट्स मैनेजमेंट को तीन मेजर कैटेगरीज में डिवाइड किया। इसमें पहली कैटेगरी आती है एक्सरसाइज एंड स्पोर्ट्स साइंसेस, इट इज़ अ पार्ट ऑफ स्पोर्ट्स मैनेजमेंट। सेकंड मेजर कैटेगरी आती है ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट, और तीसरी मेजर कैटेगरी आती है इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट।
अब हम देख लेते हैं कि इन तीनों के नीचे क्या क्या सब्जेक्ट्स आ रहे हैं. फॉर एग्जांपल एक्सरसाइज एंड स्पोर्ट्स साइंसेस के अंदर स्ट्रेंथ ट्रेनिंग है. सब ये हमारे पास इस वक्त शहबाज साहब बैठे हैं, तारिक साहब बैठे हैं, बहुत इनका एक्सपीरियंस है इन चीज़ों के अंदर. कंडीशनिंग है, फिर हमारे पास काउंसलिंग है, फिर हमने कैसे एक्सरसाइजेस को प्रिस्क्राइब करना है जिसे प्रिस्क्राइबिंग एक्सरसाइजेस कहा जाता है. टेस्टिंग एंड एवेल्यूएशन ऑफ एथलीट्स है. ये चीज़ें एक्सरसाइज स्पोर्ट्स साइंसेज में आएंगी. अगर हम ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट में आ जाएं, स्पोर्ट्स मैनेजमेंट की बात हो रही है, तो उसमें बजटिंग आएगी, अकाउंटिंग आएगी, मैनेजिंग ऑफ द पर्सनल्स ऑफ एनी स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट आ जाएंगे, मैनेजिंग ऑफ द फैसिलिटीज आ जाएगी, कंट्रोलिंग, डायरेक्टिंग, एवेल्यूएटिंग एंड लीडिंग जो हमने अभी मैनेजमेंट प्रोसेस में बात की वो ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट में आ जाएंगे. इसी तरह से अगर हम इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट में चले जाएं तो उसमें वर्किंग विद मीडिया, डेवलपिंग पब्लिक रिलेशंस, गेम्स के नोट्स और उनके स्टैट्स को इकट्ठा करना, फिर उनकी प्रमोशन एंड एडवर्टाइजिंग जो है और फंड रेजिंग, ये इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट का हिस्सा बनते हैं स्पोर्ट्स मैनेजमेंट के अंदर. लिहाजा हमें इस चीज़ का को अगर हम देखें तो स्पोर्ट्स मैनेजमेंट मेरे नज़दीक एक बहुत ही होलिस्टिक किस्म की चीज़ है. इसी में से कुछ चीज़ें स्पोर्ट्स एडमिनिस्ट्रेशन का हिस्सा बनती हैं, मैं उसके ऊपर आता हूँ. लेकिन तीन यूनिक आस्पेक्ट्स हैं स्पोर्ट्स मैनेजमेंट के जो मैं ज़रूर आइडेंटिफाई करना चाहता हूँ, जिसमें पहला जो यूनिक जो इसका आस्पेक्ट है वो स्पोर्ट्स मार्केटिंग है. और आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ इसका किस कदर फुकदान है. फिर स्पोर्ट्स फाइनेंशियल स्ट्रक्चर इसका दूसरा बहुत ही यूनिक आस्पेक्ट है. और तीसरा आस्पेक्ट स्पोर्ट्स इंडस्ट्री कैरियर पाथ्स हैं. सारी दुनिया में इस वक्त डुअल कैरियर पाथ्स का रुझान है. मुझे इत्तेफाक हुआ यहाँ पे हमने हंगरी से उनकी यूनिवर्सिटी के कुछ एक्सपर्ट्स को बुलाया और हमारी कोशिश थी कि यहाँ पे कुछ स्पोर्ट्स मैनेजमेंट के प्रोग्राम्स शुरू किए जा सकें. तो हंगरी आपको पता है बहुत छोटा सा मुल्क है, कराची जितना उसकी पॉपुलेशन और साइज होगा. तो बुदापेस्ट से और वहाँ की लीडिंग यूनिवर्सिटीज से लोग आए, तो उन्होंने हमें ये बताया कि उनके यहाँ डुअल कैरियर पाथ्स हैं. तमाम एथलीट्स जो हैं वो डुअल कैरियर पाथ्स के ऊपर जो है वो चलते हैं. बहरहाल वो एक अलहदा बहस है, उस पर हम बाद में जाएंगे किसी वक्त. अब हम देख लेते हैं कि जो स्पोर्ट्स एडमिनिस्ट्रेशन है उसकी क्या डेफिनेशन है, ताकि ये फ़र्क जो है वो वाजह हो जाए. डिटेल्स की बातें हम बाद में स्पोर्ट्स एडमिनिस्ट्रेशन पे कर लेंगे. स्पोर्ट्स एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो ज़्यादा फोकस करती है एथलीट की डेवलपमेंट के ऊपर और ऑप्टिमाइज करती है परफॉर्मेंस पार्ट ऑफ द एथलीट को. इसमें कॉन्ट्रैक्टिंग प्रोफेशनल एथलीट्स आ जाता है, टैलेंट आइडेंटिफिकेशन एंड टैलेंट हंटिंग आ जाती है, एसोसिएटिंग विद ऑर्गेनाइजिंग स्पोर्ट्स इवेंट्स आ जाएगा, टीम मैनेजर्स एंड कोचेस जिसकी अभी गालिबन हमारे एक दोस्त बात भी करेंगे वो आ जाएगी. सो फ्रॉम पाकिस्तान पर्सपेक्टिव इस वक्त जिस स्टेज पे पाकिस्तान की स्पोर्ट्स हैं जो कि अभी तक बहुत प्रोफेशनल नहीं हुई और ज़्यादातर एमेच्योर इन नेचर हैं, तो मैं समझता हूँ कि स्पोर्ट्स एडमिनिस्ट्रेशन इज मोर फोकस्ड एंड ईजियर टू अटेम्प्ट फॉर दोज स्टूडेंट्स who are interested to take over sports administration as a career, क्योंकि इसमें थोड़ा सा marketing and finance का अगर आपका bachelor level के ऊपर कोई MBA का या BBA का अगर background हो तो फिर आपको sports management के subjects को attend करना थोड़ा आसान हो जाता है. और sports administration में ये aspect comparatively कम है, मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं है, लेकिन sports management के मुकाबले में comparatively कम है. So all in all sports management in my meri nazar mein it is more holistic, it is more strategic in nature, whereas and it relates to the business environment of the sports, whereas sports administration is more public driven and more government driven. Aur agar aap dekhen un mumalik ko, आखिरी बात में ये कह के यहाँ ख़त्म करूँगा, उन मुमालिक को जहाँ पर स्पोर्ट्स एडमिनिस्ट्रेशन की डिग्रीज ज़्यादा अच्छी हैं, उसमें चाइना, कोरिया, जहाँ पर गवर्नमेंट की इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा है स्पोर्ट्स में, और स्पोर्ट्स मैनेजमेंट की डिग्रीज आपको वहाँ ज़्यादा अच्छी मिलेंगी जहाँ पर के बिजनेस ड्रिवन है स्पोर्ट्स, लाइक यूएसए,
एंड ऑस्ट्रेलिया। तो ये मेरा प्रस्पेक्टिव है। मैं इसमें चाहूँगा कि मेरे दोस्त अहबाब शहबाज साहब, तारिक साहब और बाकी पार्टिसिपेंट्स अपना ज़रूर व्यू पॉइंट दें ताकि हम इस पर मज़ीद डिस्कशन कर सकें। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब शहबाज साहब। आपने देखा कि किस तरह से एडमिनिस्ट्रेशन को एक पब्लिक पर्सपेक्टिव में और या मैक्रो लेवल पे भी हम इसे कह सकते हैं, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, और एक जो स्पोर्ट्स मैनेजमेंट है उसको माइक्रो लेवल पे और एक बिजनेस ड्रिवन जो है एस्पेक्ट में। तो क्या आप इससे एग्री करते हैं या आपका कोई डिफरेंट पर्सपेक्टिव है इसके हवाले से? देखिए पाकिस्तान में किस तरह जी प्लीज जी बात कर लीजिएगा प्लीज। देखें बेसिकली जब हम स्पोर्ट्स मैनेजमेंट की बात करते हैं, आमिर बिलाल साहब ने बहुत अच्छे तरीके से हमें बेसिकली एक ओवरव्यू दे दिया स्पोर्ट्स मैनेजमेंट और स्पोर्ट्स एडमिनिस्ट्रेशन का, एंड देन ही हैज़ वेरी राइटली पॉइंटेड आउट दैट स्पोर्ट्स मैनेजमेंट की जब हम बात करेंगे तो दिस इज़ मोर अ ह्यूमन इन्वॉल्व्ड इंडस्ट्री। सो अब हमें जो चंद टर्मिनोलॉजीज हैं, सबसे पहले तो हमें उनको अंडरस्टैंड कर लेना चाहिए, क्योंकि आई बिलीव अगर हम पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं तो वी डू नॉट लाइक जो हमारे व्यूअर्स हैं दे डू नॉट एक्चुअली हैव एन एक्सपीरियंस ऑफ स्पोर्ट्स इंडस्ट्री। बिकॉज अगर हम डेवलप्ड नेशंस की बात करेंगे तो जो स्पोर्ट्स है इट्स एन इंडस्ट्री। अब इंडस्ट्री क्या है, एंड देन व्हेन वी डिस्कस अबाउट मोर इन्वॉल्वमेंट ऑफ ह्यूमन बीइंग्स तो देन व्हाट आर द प्रोडक्ट्स। बिकॉज आमिर बिलाल साहब ने बहुत क्लियरली एक चीज़ जो आइडेंटिफाई कर दी वो ये आइडेंटिफाई कर दी कि नाउ द स्पोर्ट्स इज प्रोफेशनल, एमेचोरिज्म एग्जिस्ट नहीं कर रहा, द फ्यूचर ऑफ स्पोर्ट्स इज प्रोफेशनलिज्म, सो स्पोर्ट्स नीड प्रोडक्ट्स। सो हमें उस चीज़ को अंडरस्टैंड करना है। सो आई थिंक बिफोर मैं अपना परस्पेक्टिव दूँ टूवर्ड्स स्पोर्ट्स मैनेजमेंट और देन वी सी कि पाकिस्तान में स्पोर्ट्स मैनेजमेंट को कैसा लिया जाता है, द पॉइंट दैट आई वॉन्ट टू डिस्कस, आई थिंक वी नीड टू क्लैरिफाई फ्यू टर्मिनोलॉजीज। उसमें जो पहली टर्मिनोलॉजी जो मैं चाहूँगा व्यूअर्स को बहुत अच्छे तरीके से क्लियर होनी चाहिए, दैट इज इंडस्ट्री। इंडस्ट्री जब हम कहते हैं तो वट एक्चुअली इंडस्ट्री मीन्स, कि हम इंडस्ट्री से क्या मुराद लेते हैं, दैट नीड्स टू बी अंडरस्टूड क्लियरली बाई एवरी वन। तो उसमें जब हम बात करेंगे इंडस्ट्री की तो वी नीड टू अंडरस्टैंड इंडस्ट्री इज अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस दैट प्रोड्यूस सेम और सिमिलर प्रोडक्ट्स। दिस इज अ सिंपल डेफिनेशन ऑफ एन इंडस्ट्री। सो अगर हम स्पोर्ट्स इंडस्ट्री की बात करेंगे तो हम इसी डेफिनेशन को अगर ड्राइव करें तो फिर स्पोर्ट्स इंडस्ट्री एक ऐसी मार्केट प्लेस होगी इन विच प्रोडक्ट्स ऑफर टू इट्स बायर्स आर स्पोर्ट्स, फिटनेस, रिक्रिएशन और लेयर रिलेटेड एंड मे बी एक्टिविटीज, गुड्स, सर्विसेज, प्लेसेस और आइडियाज। ये तमाम चीज़ें होंगी और वहाँ पर जो सेलर्स होंगे और जो बायर्स होंगे उनका रिलेशन क्या होगा विद रिस्पेक्ट टू स्पोर्ट्स होगा। सो वी आर टॉकिंग अबाउट प्रोफेशनलिज्म, वी आर टॉकिंग अबाउट थिंग्स दैट आर बींग सोल्ड। और वो थिंग्स क्या हो सकती हैं, वो प्रोडक्ट्स क्या हो सकती हैं, वो गुड्स भी हो सकती हैं, लाइक इक्विपमेंट भी हो सकता है और सर्विसेज भी हो सकती हैं। एंड स्पोर्ट्स इज वेन मोर ड्रिवन ह्यूमन इन्वॉल्व्ड इंडस्ट्री, सो वी मोस्टली ऑफर सर्विसेज। सो अब जो सर्विसेज हैं वो बेसिकली, अब अगर हम स्पोर्ट्स की बात करते हैं या स्पोर्ट्स मैनेजमेंट की बात करते हैं, आई विल कॉल इट स्पोर्ट्स मैनेजमेंट इज वेरी स्पेसिफिक, वेरी स्पेसिफिक। It's a science, as I understand, it's very specific. Like अगर हम किसी भी organization की working की बात करेंगे, then we have four W's: what, when, who, how. We have to discuss these four things. So इसमें जो what and when का part है, that parts कुछ भी जो करना है, कब करना है, क्या करना है, that relates to the holistic thing. तो वो it more goes to administration. Who and how, कौन और कैसे करना है, that is the responsibility of management, sports management. The management part is concerned with who and how. जो भी काम करना है उस काम को कौन करेगा, कैसे करना है, these are the two things that go straight to management. अब
हम जब स्पोर्ट्स की बात करते हैं तो वी नीड टू अंडरस्टैंड कि हम एक सर्विसेज बिजनेस में हैं, और जो सर्विसेज बिजनेस है दैट इज मोर डिफिकल्ट. मोर डिफिकल्ट मीन्स वी नीड मोर ट्रेंड ह्यूमन रिसोर्स. अब लाइक अगर मैं फॉर आवर व्यूअर्स आई विल नॉट गो इनटू वेरी डेप्थ बिकॉज बहुत ज्यादा एकेडमिक हो जाएगा. आई विल जस्ट ब्रिंग सिंपल पर्सपेक्टिव कि जो स्पोर्ट्स हैं बेसिकली जो स्पोर्ट्स प्रोडक्ट्स हैं उसमें जो सर्विसेज हैं, इफ वी वांट टू डिस्कस स्पोर्ट्स सर्विसेज तो उसमें बेसिकली हम पार्टिसिपेंट सर्विसेज ऑफर कर सकते हैं जिसमें हम हमारे कंज्यूमर्स होते हैं और कंज्यूमर्स acquire these services for player and health. उसके अलावा हम human services offer करते हैं, like जब हम sports excellence की बात करते हैं, जब pursuit of sports goals की बात करते हैं, skill development, excellence, जब हम rehabilitation की बात करते हैं using sports and physical activity, these all are human services. इसके अलावा हम spectator services offer करते हैं that goes to entertainment, जैसे हम contest करवाते हैं. मॉडर्न कॉन्सेप्ट है स्पेक्टेटर सर्विसेज में, वी सेट स्पेक्टिकल्स, देन वी ऑफर थर्ड प्लेस एक्सपीरियंस. अब मैं इस चीज को बहुत क्लियर करना चाहूंगा, मैं इसलिए क्लियर करना चाहूंगा कि ऑफ लेट जो हम एक चेंज पाकिस्तान में देख रहे हैं, हम देख रहे हैं लीग्स आ रही हैं पाकिस्तान में, लीग्स ऑर्गेनाइज की जा रही हैं, जिसकी प्राइम एग्जाम्पल जो है वो PSL है हमारे पास, उसके बाद कबड्डी की लीग हो रही है. दीज आर मोर ऑफ spectacles, contests that are driven by the demand of spectators. हम क्या देना चाहते हैं, हम close competition देना चाहते हैं, world का best जो talent है हम उसे एक platform के under जो है basically क्या करना चाहते हैं, show करना चाहते हैं. We want to earn certain revenue, return on investment का concept आ गया. We are going towards professionalism. From amateurism, जहां एथलीट जो हमारा एथलीट था वो सफर करता था, now we are creating opportunities for athletes to earn from the sports. Like उन्हें जो करियर है वो स्पोर्ट्स से बाहर नहीं सर्च करना, they have to actually earn their living from the sports. Cricket is a prime example, PSL is a prime example. Sports benefit करता है और कर रही है sports through these entertainment activities. The contests, उसके बाद एक जो चीज अभी पाकिस्तान में हमें नहीं आ रही वो है नजर नहीं आ रही है वो है थर्ड प्लेस एक्सपीरियंस. थर्ड प्लेस एक्सपीरियंस क्या है बेसिकली, इसे भी हमें अंडरस्टैंड करना होगा. जो हमारे स्टेडियम्स हैं वो सर्टेन एनवायरनमेंट प्रोवाइड करेंगे. शबाश साहब जी जी, क्रिकेट की आपने एग्जांपल दी है हमारे सामने, हम चाहेंगे कि आप कबड्डी की भी जो एग्जांपल है, चलो क्रिकेट एक मैं समझता हूँ कि वो बिल्कुल डिफरेंट पर्सपेक्टिव है बाकी स्पोर्ट्स के हवाले से, उसका जो भी डेवलपमेंट है या उसके फीचर्स हैं उसको एक साइड पर रखते हुए आप हम कबड्डी एग्जांपल लें, तो कबड्डी भी स्पेक्टेटर के हवाले से तो आप कह सकते हैं किसी हद तक है, लेकिन वो भी मेरा ख्याल है गवर्नमेंट का बहुत ज़्यादा सपोर्टिव स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम था जो लीग हुई है. अदरवाइज तो हम यूरोप और डेवलप्ड कंट्रीज की लीग को ही अपना मॉडल देख सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान में कोई इसकी मेरा ख्याल है कि एप्लीकेशन उस तरह से हमारी जो इकोनॉमिक कंडीशंस हैं शायद मुमकिन नहीं है जैसा आप पेश कर रहे हैं, लेकिन मेरा ख्याल यह है, तो आप क्या कहेंगे इस बारे में? सर अगर मैं कबड्डी लीग की बात करूँगा तो जो कबड्डी है पाकिस्तान में वो दो तरह की खेली जा रही है, मैंने जो ऑन जनरल अंडरस्टैंडिंग, वन इज एशियन स्टाइल एंड वन इज सर्कल स्टाइल. जो सर्कल स्टाइल कबड्डी है दैट हैज़ अ ह्यूज फॉलोइंग एटलीस्ट इन पंजाब प्रोविंस, बहुत बड़ी फॉलोइंग है. इफ आई से कि इट्स अ सेकंड मोस्ट पॉपुलर स्पोर्ट इन द प्रोविंस ऑफ पंजाब आफ्टर क्रिकेट, और उसे लोग देखना चाहते हैं, पीपल आर विलिंग टू पे फॉर दैट. व्हाट कबड्डी फेडरेशन डिड वाज एक्चुअली इट वाज अ डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, वी नीड टू अंडरस्टैंड. दे वेंट ऑन विद द नॉट सो पॉपुलर एशियन स्टाइल कबड्डी and they held the league in that particular style because their goal is to actually develop athletes who can bring medals for the country in the Asian Games, and ultimate goal is when kabaddi goes into Olympics to aapko Olympics mein ek acha chance mile jeetne ka. aapne jaise baat ki ki usme hamare paas currently wo government support se hui, to I would say usme basically problem ye hai, we do not have the right persons, right human resources applied. hum basically agreements to create karte hain,
international companies are willing to come to Pakistan to do certain activities, but the current situation and then the non-professionalism that exists amongst the human resource, wo non-professionalism main ye kahunga ke that is not someone's personal approach. It is basically the lack of understanding of international standards of working. SOPs ki understanding nahi hai. Like they lack on the communication level. Experts jo involve hone chahiye wo nahi hote hain. To ultimately kya hota hai, those contracts start up, idea floats, idea develops, but when it comes to finalization, then all of a sudden there is a misunderstanding between the company who was working towards the marketing, who was working towards bringing the sponsorship, and the national sports organization. Because hum abhi us level pe organized nahi hai, we do not have right number of human resources in the offices even who understands how to run a league. Pakistan Cricket Board is a separate entity, they are well organized, so hum unki baat nahi karenge. I will again say jo hamari federations hain, they have to rearrange themselves, they have to sort out the problems that they have in their organizational structures. हम जब एडमिनिस्ट्रेशन में बात करेंगे, आज मेरा प्रोग्राम सिर्फ इतना है कि हम सिर्फ ये देखें कि हाउ अ नेशनल स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन हैज इट्स ब्रांचिंग, इट्स ट्री स्ट्रक्चर इन इंटरनेशनल ग्लोबली, एंड हाउ वी एक्चुअली हैव डिफरेंट स्टेक होल्डर्स एंड डिफरेंट ब्रांचिंग सिस्टम्स. एंड फेडरेशन को मैं कोई इल्ज़ाम नहीं देना चाहूँगा, ना ही मैं ये कहना चाहूँगा कि फेडरेशन काम नहीं करना चाहती. दे आर putting their efforts, but limitations ye hain ki jo hame ek collaboration nazar aani chahiye, jo hame combined effort nazar aani chahiye, that effort is not seen. Like we see there is one sports in Pakistan, aur wo kya hai, cricket hai jise log dekhna chahte hain, but we have to sell other sports. To hame kya use karna hai, hame basically more concept of a spectacle use karna hai, jise hum एक तमाशा भी कह सकते हैं. लाइक इफ वी सी एनी इंटरनेशनल स्पोर्ट्स कंपटीशन, वी सी द ओपनिंग सेरेमनीज, वी सी द क्लोजिंग सेरेमनीज. ये ओपनिंग सेरेमनीज और क्लोजिंग सेरेमनीज का बेसिकली जो एक्चुअल प्रोडक्ट है उसके साथ अगर हम डायरेक्ट रिलेशन देखें तो वी सी नो रिलेशन विद द स्पोर्ट्स. देन व्हाई डू वी हैव दीज सर्टन इवेंट्स. सो जब हम इनको इन डेप्थ स्टडी करते हैं, वी सी एक्चुअली इट्स अ प्रोसेस ऑफ अर्निंग रेवेन्यू, bringing revenue from the activities that have some complementing effect. People, we want to bring more spectators in, more media in, more sponsors in, or to start with, what we have to do is we have to do a broader inclusion process. Exclusion nahi karni hame, hame basically abhi sports ko develop karna hai. Like अगर हम बात करें कि हमें तो अभी बेसिकली स्पोर्ट्स इंडस्ट्री, स्पोर्ट्स मैनेजमेंट के कॉन्सेप्ट की बेसिक्स को अंडरस्टैंड करना है इन पाकिस्तान पर्सपेक्टिव स्पेसिफिकली, क्योंकि अगर मैं पाकिस्तान में नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन के जो एक ट्रेडिशनल अंडरस्टैंडिंग है कि एक नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन की जिम्मेदारी क्या है, तो अगर मैं उस पर आपसे एक छोटा सा एक अपना पर्सपेक्टिव पेश करूँ, तो हमारे यहाँ नेशनल स्पोर्ट्स जो एक फेडरेशन है वो अपनी जिम्मेदारियाँ सिर्फ ये समझती है कि उन्होंने एक कैलेंडर ऑफ एक्टिविटीज डेवलप कर लिया, वो एक्टिविटीज के लिए एक बजट अप्रूव कर लिया, लेकिन उस बजट्स के क्या मींस होंगे दैट इज नेवर प्लान्ड. नो पर्सन इज अवेलेबल, ऑल इज पुट ऑन द गवर्नमेंट. एक या दो टीम्स इंटरनेशनल कंपटीशन में फील्ड कर दी विद द फंडिंग ऑफ गवर्नमेंट, और वंस इन अ ब्लू कोई इंटरनेशनल कंपटीशन वो भी गवर्नमेंट की फंडिंग से ऑर्गेनाइज कर लिया मुल्क के अंदर, तो दे थिंक दे हैव डिस्चार्ज्ड देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी. बट इन रियलिटी दैट इज नॉट द केस, दैट इज नॉट द केस. फेडरेशन हैज मोर ब्रॉडर रिस्पॉन्सिबिलिटी चार्ट, मोर थिंग्स टू मैनेज. जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जी मैं कह रहा हूँ कि मैनेजमेंट पर्सपेक्टिव में जो हमारी फिर स्पोर्ट्स फेडरेशन, जैसे आपने कहा कि कभी ह्यूमन रिसोर्स नहीं है, जब उनके पास फाइनेंशियल रिसोर्स ही नहीं है कि वो किसी के एम्प्लॉय कर सकें या वो अपने ऑफिस को ही मैनेज कर सकें, तो हाउ दे कैन थिंक फॉर द मार्केटिंग एंड सम रिसोर्सेज टू एम्प्लॉय द सच क्वालिफाइड पीपल.
इसके बारे में सर आप जरा हमें हमारे पास बहुत सी एग्जांपल्स हैं, और जो कंटेम्पररी मैनेजमेंट अप्रोच टुवर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन है, आप स्किल्ड ह्यूमन रिसोर्स हायर किस पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं, दे हैव टू ब्रिंग रिसोर्सेज टू द ऑर्गेनाइजेशन। हम जब नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन की बात कर रहे हैं, दे डोंट हैव टू एम्प्लॉय दोज ट्रेडिशनल क्लैरिकल स्टाफ, दे डोंट नीड दोज पर्संस। लाइक जो स्टाफ आपने हायर करना है, दैट इज देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी, दैट दे हैव टू वर्क एफिशेंटली टूवर्ड्स ब्रिंगिंग रिसोर्सेज टू द ऑर्गेनाइजेशन। और फिर जब वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए रिसोर्सेज लाएंगे, देन दे कैन एक्चुअली अर्न देयर लिविंग, अर्न फॉर द ऑर्गेनाइजेशन, अर्न फॉर योर सेल्फ। लाइक हम जिसे जीरो बजटिंग एक पॉलिसी कहते हैं, आई एम गेटिंग मोर कॉम्प्लिकेटेड टूवर्ड्स दिस, लेकिन जो मॉडर्न अप्रोच है उसमें हमने एंगेज उस पर्सन को करना है हु कैन परफॉर्म। हमने बेसिकली जब हम मैनेजमेंट फंक्शंस की बात करते हैं, तो मैनेजमेंट फंक्शंस, फोर मैनेजमेंट फंक्शंस, सम स्कूल्स ऑफ थॉट हैव फाइव, बट आई यूजुअली फॉलो फोर, दैट इज प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग एंड इवेल्युएशन। इवेल्युएशन इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट दैट इज मिसिंग व्हेन वी कम टू ओवर नेशनल स्पोर्ट्स सिस्टम। हमें एवेल्युएशन से बहुत नफरत है। वी स्टार्ट प्रोजेक्ट्स, वी इन्वेस्ट लिमिटेड अमाउंट, एंड इट इज अ विश ऑफ एन एडमिनिस्ट्रेटर, अ विश ऑफ द हेड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। इट्स लाइक अ विश लिस्ट एंड वी रन द फेडरेशंस ऑन दिस विश लिस्ट। लाइक आई पर्सनली से, अगर हम कभी बात करते हैं, कभी भी बात करते हैं, तो हम अगर किसी सेक्रेटरी जनरल को बुलाएंगे, किसी प्रेसिडेंट को बुलाएंगे, तो इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, आप नोट कीजिएगा, वेन एवर द डिस्कशन स्टार्ट्स, तो जो पहला जुमला आपको सुनने के लिए मिलेगा, वो जुमला आपको सुनने के लिए हमेशा ये मिलेगा, अल्हम्दुलिल्लाह स्पोर्ट्स ने मुझे पूरी दुनिया दिखा दी। सॉरी टू से, हमें इसे चेंज करना होगा, आपको ये जुमला चेंज करना होगा, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने पाकिस्तान की स्पोर्ट्स को दुनिया के तमाम प्लेटफॉर्म्स पर परफॉर्मिंग लेवल पे पहुंचा दिया, आई हैव डेवलप्ड द स्पोर्ट्स। हम तो स्पोर्ट्स से ले रहे हैं, बट व्हेन इट कम्स टू मैनेजमेंट, वी हैव टू डिलीवर। और अगर हम डिलीवर नहीं कर सकते, तो बेसिकली हमें कोई हक नहीं है कि हम इन जगहों पर बैठे रहें और टेन्योर ओवर टेन्योर, टेन्योर ओवर टेन्योर। हम सिर्फ क्या है, एक नेशनल चैंपियनशिप करा दी, और अगर पॉसिबल हुआ तो टीम को फील्ड करवा दिया, कभी टीम की सिलेक्शंस की क्या प्रैक्टिसेस हैं, ह्यूमन रिसोर्स कैसे असाइन किया जाता है, एथलीट के साथ क्या रवैया रखा जाता है, जो बेसिकली आपकी कोर है। अगर हम मीडिया की इंक्लूजन की बात करें, तो हाउ मीडिया इज टैकल्ड, दिस इज अ डिफरेंट क्वेश्चन। और अगर हम इसमें स्पोर्ट्स मीडिया के ऊपर एक अलग से डिस्कशन सिंपोजियम करें, एक पैनल ऑफ डिस्कशन करें, तो यू विल हियर हाउ एक्चुअली मीडिया इज ट्रीटेड इन द स्पोर्ट्स कंपटीशन। सो स्पोर्ट्स मैनेजमेंट ऑन द होल जब हम बात करते हैं, तो बेसिकली हमें ये देखना है कि पाकिस्तान के प्रस्पेक्टिव में, लाइक वी हैव अ यूनिक टाइप ऑफ स्ट्रक्चर। वो यूनिक टाइप ऑफ स्ट्रक्चर क्या है, कि जो हमारी नेशनल स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो कोई भी फेडरेशन हो, इट हैज डिपार्टमेंट्स एज इट्स एफिलिएटेड यूनिट्स, इट हैज प्रोविंसेस, एंड देन इट हैज क्लब्स। इन सर्टन केसेस क्लब्स अलाउड हैं, इन सर्टन केसेस क्लब्स अलाउड नहीं हैं। दे आर देयर एफिलिएटेड मेंबर्स, एंड दीज एफिलिएटेड मेंबर्स एक्चुअली हैव टू पे एन एफिलिएशन फी टू द नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन। और जो नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन है या नेशनल स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन है, दे डू नथिंग फॉर द कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ दीज डिपार्टमेंट्स। लाइक इट इज अ रेरिटी दैट वी हैव कोचिंग कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम्स, ऑफिस मैनेजमेंट इज टोटली आउट, इवेंट मैनेजमेंट, इट्स अ रेयर थिंग। यस, एनओसी पाकिस्तान थ्रू द फंडिंग ऑफ इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ऑफिस मैनेजमेंट का एक कोर्स एलोकेट, एक से दो या तीन कोर्सेज डिफरेंट फेडरेशंस को एलोकेट करते हैं, जिसमें ट्रेन किया जाता है। बट इफ वी कैटेगोरिकली सी दोज पर्संस हु आर ट्रेन्ड, तो वी विल सी के बेसिकली हाउ द थिंग्स आर बीइंग वर्कड आउट। देयर आर सर्टन एजुकेशन प्रोग्राम्स, हमारी फेडरेशन खुद अवेयर नहीं है
हमारी नेशनल ओलंपिक कमेटी एकेडेमिया की डेवलपमेंट के लिए, जो फेडरेशन में एकेडेमिया डेवलप करना है, उसके लिए कितनी फंडिंग अवेलेबल है? इफ आई जस्ट हैव टू पॉइंट आउट, देयर आर अ लॉट ऑफ फंडिंग्स जिसमें प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस के भी प्रोग्राम हैं एंड दे आर स्पेसिफिकली फॉर डेवलपिंग कंट्रीज, लेकिन हम उस पर कम्पीट नहीं कर पाते बिकॉज वी डू नॉट एक्चुअली नो अबाउट ऑल दीज थिंग्स. हम इन चीज़ों के बारे में जानते ही नहीं हैं. जब हम जानते नहीं हैं तो हम कैसे उसे पाकिस्तान में लाएंगे, कैसे हम राइट पर्सन राइट जॉब पर प्लेस करेंगे? मैं आपकी बात अंडरस्टैंड कर रहा हूँ, लेकिन अल्टीमेटली जब हम पाकिस्तान में स्पोर्ट्स के डाउनफॉल की बात करते हैं तो हमें अंडरस्टैंड करना है कि जब तक एक ऑर्गेनाइजेशन जिसने एक स्पोर्ट्स की डेवलपमेंट के लिए काम करना है इट इज़ नॉट प्रॉपरली मैनेज्ड, तो और वो स्टेबल नहीं है, वो फाइनेंशियली स्टेबल नहीं है, वो पॉलिटिकली स्टेबल नहीं है, इफ इट इज नॉट रन बाय द पर्संस हु अंडरस्टैंड दीज मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस, तो हम ट्रबल में रहेंगे. और हम टैलेंट को डेवलप करने की बात करेंगे, हम टैलेंट आइडेंटिफिकेशन की बात करेंगे, जो हमारी डिपेंडेंसीज हैं वो ऐसी रहेंगी कि आई थिंक वी वॉन्ट बी एबल टू ब्रिंग द राइट talent that can actually show and the metal that Pakistani athletes carry. और उसमें athletes का कसूर नहीं है, मैं कहीं भी ये नहीं कहूँगा कि athlete का कसूर है. athlete emerge करते हैं but उसके बाद they disappear due to injuries. it's a problem of management. like Tariq Sidhu साहब specifically इसके ऊपर बात करेंगे, that is his area. लेकिन मैं सिर्फ एक छोटी सी जो चीज़ अंडरस्टैंड करवाना चाहता हूँ, जो हम सबको अंडरस्टैंड करना है, बेसिकली जो एक नेशनल स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन होती है ये गवर्नमेंट विद इन अ गवर्नमेंट होती है. इसका स्टेटस बहुत बड़ा है बिकॉज इट कैरीज द नेशनल नेम, नेशनल फ्लैग कैरी करती है, नेशन को वर्ल्ड फोरम पे रिप्रेजेंट करती है, नेशन के बिहाफ पे टीम फील्ड करती है. लाइक द रिस्पेक्ट ऑफ द नेशन goes on with these national sports organizations. So हमें बहुत अशद ज़रूरत है कि हम इन national sports organizations को इस तरीके से basically set up करें. If उसमें देखें पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड एक रोल अदा कर सकता है, लाइक आपने कहा अभी resources की कमी है, तो हम कैसे ये manage कर सकते हैं? तो अगर हमारे पास resources की कमी है तो हम इन resources को arrange नहीं कर सकते हैं, तो हम ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस को एक प्रोफेशनल सेटअप के साथ अटैच कर सकते हैं जिसमें लाइक 4 or 5, 10, 12, 15 एक्सपर्ट्स का ग्रुप जिनका काम सिर्फ क्या हो, मार्केटिंग हो, स्पॉन्सरशिप हो, जिनका काम बेसिकली क्या है, कॉन्ट्रैक्ट्स क्रिएट करना, कैपेसिटी बिल्डिंग करवाना. अब आप अगर ये कहिए कि पाकिस्तान में स्पोर्ट्स मैनेजमेंट स्पोर्ट्स साइंसेस के एक्सपर्ट्स नहीं हैं, तो देयर आर अ लॉट ऑफ एक्सपर्ट्स, लेकिन एकेडेमिया को टच ही नहीं किया जाता. एकेडेमिया इज नेवर इनवाइटेड टूवर्ड्स फेडरेशन ऑन दीज अकाउंट्स. सो हमें एक कोलैबोरेटिव एनवायरनमेंट क्रिएट करनी है, और जब हम ये कोलैबोरेटिव एनवायरनमेंट क्रिएट करेंगे तो ऑब्वियसली क्या होगा, हमारे बहुत से प्रॉब्लम्स रिजॉल्व होंगे. मैं ये नहीं कह रहा हूँ सारे ऑन द वन गो रिजॉल्व होंगे, बट इट विल रिजॉल्व विद द पैसेज ऑफ टाइम. लेकिन हमें चेंज या ट्रांजिशन स्टार्ट करनी है. लाइक अ स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन इज अ मोनोपोली, इट्स अ मोनोपसनी, इट इज वन सेलर वन बायर इन द मार्केट एंड स्टिल दे आर अनेबल टू क्रिएट प्रोडक्ट्स, दे आर अनेबल टू सेल प्रोडक्ट्स. सो इट्स अ फेलियर ऑफ अस. आई विल स्टॉप माई डिस्कशन ऑन दिस बिकॉज आई थिंक इट इज गेटिंग मोर कॉम्प्लिकेटेड द मोर आई गो. जी बिल्कुल शहबाज साहब, आपकी बात से मैं ये समझा हूँ कि जो इस वक्त स्पोर्ट्स मैनेजमेंट में नेशनल स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन का जो रोल है, जो कि स्पोर्ट्स को रेगुलेट करती हैं, उनकी कैपेसिटी का इशू है मैनेजमेंट के हवाले से, कि वो अपने रिसोर्स मोबिलाइजेशन या अपने ह्यूमन रिसोर्स को उस तरह से अपनी अप्लाई नहीं कर सकती, इंगेज नहीं कर सकती जिस तरह से एक मैनेजमेंट के मॉडर्न मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स हैं या उनकी रिक्वायरमेंट है, जिसकी वजह से वो सफ़र कर रहे हैं और उनको ज़रूरत है एकेडेमिया के साथ कोलाबरेट करने की. हमारे पास सवालात बात आगे चलेगी, लेकिन इस वक्त 2-3 सवालात हमारे पास मौजूद हैं. कामरान मुजाहिद साहब पूछ रहे हैं कि जी इसमें पाकिस्तान में क्या स्कोप है स्पोर्ट्स मैनेजमेंट के हवाले से,
दूसरा सवाल क्या कहते हैं, अकीला हैं जो के कहती हैं कि जी जो बैकवर्ड एरिया के नीडी प्लेयर्स हैं उनके हवाले से क्या स्पोर्ट्स मैनेजमेंट में कोई फैसिलिटीज या कोई उनका स्कोप बन सकता है? तो शहबाज साहब, आप मैनेजमेंट के स्कोप के हवाले से क्या कहेंगे पाकिस्तान? देखिए जी, मैं फर्स्ट ऑफ ऑल कामरान मुजाहिद साहब ने जो एक क्वेश्चन किया, मैं उसका तो सिंपल सा जवाब इस तरह दूंगा, इट्स एन अनटैप्ड अरेना। स्कोप स्पोर्ट्स मैनेजमेंट अपना पूरी दुनिया में एस्टैब्लिश कर चुकी है, एमेचोरिज्म टू प्रोफेशनलिज्म तमाम दुनिया में लीग्स लॉन्च हो रही हैं। सो पाकिस्तान में स्पोर्ट्स मैनेजमेंट का स्कोप अभी तक अनटैप्ड है, लोगों ने टेस्ट ही नहीं किया। पीपल लव टू वॉच स्पोर्ट्स, पीपल लव टू फॉलो स्पोर्ट्स, क्योंकि अपॉर्चुनिटीज बहुत कम हैं। आफ्टर ऑलमोस्ट अ डेकेड, मोर देन अ डेकेड, स्पोर्ट्स ग्राउंड्स हमारी आबाद हुई हैं। सो हम ये कहें कि लोग एंटरटेन नहीं होना चाहते, पीपल इन पाकिस्तान डोंट वांट टू सी स्पोर्ट्स, तो ये एक लाए होगा, क्योंकि हमारे तो यहाँ सड़क पर एक छोटा सा जिसे कहते हैं ना कोई अपना स्किल एग्जिबिट करना शुरू कर दे तो लोग गाड़ियाँ रोक कर उसे देखना शुरू कर देते हैं। एंड वी आर टॉकिंग अबाउट स्पोर्ट्स, और वो भी ऑर्गेनाइज्ड स्पोर्ट्स की। यस, वी हैव टू अंडरस्टैंड वन थिंग कि दुनिया में एक कॉन्सेप्ट रहा है पार्टिसिपेटरी स्पोर्ट्स वर्सेस स्पेक्टेटिंग स्पोर्ट्स। तो जो पार्टिसिपेटरी स्पोर्ट्स है दैट आल्सो डिवेलप इंटरेस्ट टूवर्ड्स स्पेक्टेटिंग स्पोर्ट्स। सो हमें पार्टिसिपेटरी स्पोर्ट्स को नहीं भूलना, हमें स्पोर्ट्स की पार्टिसिपेशन जो कि जस्ट फॉर इंजॉयमेंट हो उसको नहीं भूलना। लाइक मैंने ड्यूरिंग द लास्ट डिस्कशन जो हमारी होलिस्टिक डेवलपमेंट थी उसमें भी कहा था, गिव किड्स अपॉर्चुनिटी टू प्ले, गिव किड्स अपॉर्चुनिटी टू एक्सपीरियंस स्पोर्ट्स, स्पोर्ट्स को ओपन कीजिए पाकिस्तान में। सो स्पोर्ट्स मैनेजमेंट इज द राइट प्लेटफॉर्म जिसके जरिए आप बेसिकली इन ऑर्गेनाइज स्पोर्ट्स को एक प्रोफेशनल मैनर में ऑफर कर सकते हैं। रिगार्डिंग द सेकेंड क्वेश्चन के एक बैकवर्ड एरिया, देखें जब आपके पास रिसोर्सेज हैं एंड व्हेन वी हैव व्हेन द फेडरेशंस आर एबल टू एक्चुअली सर्वाइव ऑन देयर ओन, दे डू नॉट हैव होल द डिपेंडेंसी ऑन द गवर्नमेंट फंडिंग, तो अल्टीमेटली जो आपकी कोर प्रोडक्ट है वो एथलीट्स हैं। और जो एक नॉर्मल स्पोर्ट्स मैनेजमेंट के कॉन्सेप्ट हैं उसके मुताबिक जो रिसोर्सेज हैं उसको अरेंज करना और शेयर करना ये फेडरेशन की जिम्मेदारी है। तो फेडरेशन विल डिसेमिनेट रिसोर्सेज डाउनवर्ड, तो वो एक तहसील तक जो हमारा सेटअप है, यानी कि हम तहसील से एक क्लब लेते हैं, वहां तक वो रिसोर्सेज पहुंचाना फेडरेशन की जिम्मेदारी है। करंट सिनेरियो में जब फेडरेशन खुद सर्वाइव नहीं कर पा रही ड्यू टू नॉन वर्किंग एटीट्यूड, और एक डिपेंडेंसी है कि मनोसलवा उतरेगा हम खाएंगे तो हमारा पेट भर जाएगा, इसे खत्म करना होगा हमें, सॉरी टू से, बट द रियलिटी। अभी हम आगे चलते हैं, कुछ और क्वेश्चंस भी हैं लेकिन हम लेते हैं, पहले हम अपने तीसरे मेहमान की तरफ चलते हैं। जनाब तारिक सिद्धू साहब, आप हमें सर कुछ बताएं कि कोचिस का क्या रोल है मैनेजमेंट के हवाले से ट्रेनिंग में, और ताकि हम इस पर्सपेक्टिव को भी देख सकें कि कोचिस कैसे मैनेज करते हैं ट्रेनिंग को, या उसके मैनेजमेंट का क्या रोल है। तो जनाब तारिक सिद्धू साहब, आप हमें इस बारे में कुछ बताएंगे। जी थैंक यू वेरी मच। जी थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे भी मौका दिया। एक्चुअली शहबाज साहब मैनेजमेंट के ऊपर बात कर रहे थे, और मैनेजमेंट चूंकि एक बड़ा सब्जेक्ट है और देर आर सो मेनी थिंग्स टू शेयर एंड टू डिस्कस जो कि शहबाज साहब कर रहे थे, तो लकीली आई हैव वेरी स्मॉल ऑब्जेक्टिव बट वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव। इनफैक्ट द कोच, एक ब्रॉडर टर्म है कोच, लाइक एवरीबॉडी नो दिस और हम यूज भी करते हैं कोच। तो एक तो वो कोच होती है जो आपको पॉइंट ए से एक शहर से दूसरे शहर में लेके जाती है, तो कोच भी कुछ ऐसा ही होता है जो आपको गुमनामी से नामी में ले जाता है और आपको अननोन से नोन बना देता है। तो कोच की देर आर सो मेनी डेफिनेशंस, तो एक डेफिनेशन विच आई वांट टू लाइक आई वुड लाइक टू शेयर विद यू इज वेरी सिंपल एंड स्पेसिफिक, द
The coach develops people through improving their performance. जब हम और ये भी अभी एक ब्रॉडर है कोच, लेकिन जो स्पोर्ट्स कोच है वो लोगों की परफॉर्मेंस को आगे लेके जाता है. तो ये तो हो गया कोच का एक इंट्रोडक्शन कि कोच होता कौन है. अब मैं थोड़ा सा कोच की अहमियत पे जाने से पहले थोड़ा सा कोच के रिलेटेड जो दूसरे उसके कंपोनेंट्स हैं, लाइक एकेडेमिया में, लिटरेचर में, बुक्स में, देर आर थ्री टाइप्स ऑफ कोचेस, और इनफैक्ट दीज आर द पर्सनैलिटी ट्रेट्स, नॉट द टाइप्स ऑफ कोचेस. पर्सनैलिटी ट्रेट फ्यू आर पर्सनैलिटी उनकी ऐसी होती है, दे हैव अ कैजुअल बिहेवियर, एंड फ्यू आर वेरी डिसिप्लिनड एंड अथॉरिटेरियन. वेयर एज द थर्ड वन विच इज द मोस्ट लाइकली और जिसको पसंद किया जाता है इज अ कोऑपरेटिव कोच. इसके बाद आई वुड लाइक टू शेयर के जी कोचिज देर आर अगेन थ्री उनके वर्किंग एरियाज हैं. एक वो कोच है जो ग्रास रूट लेवल पे काम करते हैं, मीन यूथ के साथ, बच्चों के साथ और टीनेजर्स के साथ काम करते हैं. उसके बाद फिर दूसरे वो कोच होते हैं जो टीनेजर्स को आगे आगे इन बिटवीन इंटरमीडिएट वो काम करते हैं, और तीसरे वो कोचेज हैं जो एलीट एथलीट्स के साथ इंटरनेशनल परफॉर्म करवाने के लिए और प्रोफेशनल स्पोर्ट्स के साथ काम करते हैं. अब इन तीन कोचेज की अपने अपने लाइक इनकी कोचिंग की जॉब डिस्क्रिप्शंस हैं, इनकी पर्सनैलिटी ट्रेट्स हैं. लाइक जो जो बच्चों के साथ कोच काम करेंगे वो मोस्ट प्रोबेबली एंड मोस्ट लाइकली टू बी वेरी लविंग केयरिंग फादरली फिगर होते हैं, और वो उनका अप्रोच डिफरेंट होती है क्योंकि उनका ऑब्जेक्टिव बच्चों को कन्विंस करना है, मोटिवेट करना है, अट्रैक्ट करना है कि वो स्पोर्ट्स की तरफ आए और स्पोर्ट्स में वो फन लें, प्लेयर लें, लेयर लें और इंजॉय करें. उसके बाद फिर इंटरमीडिएट कोचेज वो होते हैं कि जो उन कोचेज में से जो बच्चे परसू करना चाहते हैं, जिनमें पोटेंशियल होता है, जिनमें टैलेंट होता है, उनको वो फिर वो आहिस्ता आहिस्ता सीरियस स्पोर्ट्स की तरफ लेके चलते हैं. और ये मोस्टली वो कोचेज होते हैं जो लाइक स्कूल, सेकेंडरी स्कूल और इंटरमीडिएट लेवल पे या बैचलर लेवल पे जो होते हैं वो काम उनके साथ करते हैं. ये मैं एक ब्रॉडर टर्म में बात कर रहा हूँ पाकिस्तान के प्रस्पेक्टिव में और इंटरनेशनल प्रस्पेक्टिव में भी. तो वो जो इन बिटवीन काम करते हैं, तीसरे वो कोचेज हैं जो एलीट पैनल के साथ काम करते हैं, वो इंटरनेशनली भी और नेशनल लेवल पे भी, जो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हैं और जो उनको करते हैं, तो ये कोचेज होते हैं. तो ये इनकी वो आ गई. अब मैं कुछ थोड़ा सा जरूर यहाँ पे चाहता हूँ कि व्हाट लाइकली टू बी अ कोच, कोच की क्वालिटीज क्या होती हैं. देयर आर सो मैनी. लाइक सबसे पहले जो एक क्वालिटी कोच में होनी चाहिए, ही और शी शुड बी लाइक अप टू डेट नॉलेज, ओल्ड फैशन्ड, क्योंकि बहुत ज्यादा रिसर्च जो आ रही है डे बाय डे, नई से नई चीजें, देयर आर सो मैनी आर्टिकल्स और रिसर्च अपलोड हो रही हैं और स्पोर्ट्स ऐसे कोचेज जो ऑफ कोर्स आप हर लिटरेचर को और हर चीज को नहीं जान सकते, बट एटलीस्ट वो जो मुस्तनद चीजें हैं, जो अप टू नॉलेज हैं, उनके बारे में कोच को मालूम होना चाहिए. जो स्पोर्ट्स साइंसेस के बेसिक फंडामेंटल चीजें हैं, जो स्पोर्ट्स साइंसेस की एस्टेब्लिश चीजें हैं, उनके बारे में उनका नॉलेज होना चाहिए, और वो वाले कोचेज होते हैं. आजकल जो कोचिंग जो है वो इट इज नॉट कोचिंग को टेक्नोलॉजी की सपोर्ट बहुत ज्यादा हासिल है. कोचिंग बिकम्स अब लाइक एक इस तरह की चीज बन गई हुई है कि यू कांट एक्सपेरिमेंट, और आप उसको वो नहीं कर सकते. आपने कंफर्म करना होता है और 100% एफर्ट के साथ जाना होता है और वो ठीक करना होता है. तो उसके लिए आप टेक्नोलॉजी की सपोर्ट भी आजकल स्पोर्ट्स में वेरी मच इन है, फ्रॉम द बोथ व्यूअरशिप परस्पेक्टिव, कंपटीशन परस्पेक्टिव, एज वेल एज वी कैन टेक एडवांटेज ऑफ द टेक्नोलॉजी फॉर द डेवलपमेंट एंड एनहांसमेंट ऑफ कोचिंग कैरियर और ट्रेनिंग प्रोसेस में भी टेक्नोलॉजी की सपोर्ट, और टेक्नोलॉजी के बारे में ना हो कोच को होनी चाहिए. इसके अलावा दो एक जमाना था कि मतलब मेहनत के ऊपर डिपेंड किया जाता था, लेकिन वक्त के साथ साथ चीज़ें आती गई, स्पोर्ट्स साइंसेज इनकॉर्पोरेट होती गई स्पोर्ट्स में और खास तौर पर स्पोर्ट्स कोचिंग में.
तो कोच को लाइक उसके पास बायोमैकेनिकल एस्पेक्ट्स जो हैं उनके उनका उसके पास नॉलेज होना चाहिए। इसके अलावा जो उसके फर्दर पर्सनालिटी ट्रेट्स हैं कि कोच शुड हैव अ लाइक कम्युनिकेशन, गुड कम्युनिकेशन स्किल, कोच को अच्छा मोटिवेटर होना चाहिए क्योंकि स्पोर्ट्स में स्पोर्ट्स समटाइम्स स्पोर्ट्स और ख़ास तौर पे ट्रेनिंग प्रोसेस इज बोरिंग और खिलाड़ी एक ही रूटीन और बोर हो जाते हैं और ख़ास तौर पे हमारी सोसाइटी में व्हेन समबडी इज क्योंकि लिमिटेड नंबर ऑफ पीपल्स आर गोइंग फॉर स्पोर्ट्स और वेयर एज द अदर पीपल्स आर स्पेंडिंग देयर टाइम इन अ लेजर टाइम तो वो भी समटाइम बोर फील करते हैं तो कोच उनको अच्छा मोटिवेट करते हैं, इनकरेज करते हैं और उसको बेनिफिट्स बढ़ाते हैं। कोच को हार्ड वर्किंग होना चाहिए, पंक्चुअल होना चाहिए, तो ये मतलब उसकी पर्सनैलिटीज हैं जिनको वो करता है। कोच के अंदर लाइक मैनेजमेंट स्किल्स अच्छी होनी चाहिए। अब अभी हम जो मैनेजमेंट बात कर रहे थी हम उसकी बात वो वाली मैनेजमेंट नहीं, मैनेजमेंट टू लाइक टू मैनेज कोच की जो ट्रेनिंग एस्पेक्ट्स हैं, ट्रेनिंग के लिए मतलब वेन्यू से लेके इक्विपमेंट और उसकी जो दीगर एस्पेक्ट हैं उनको मैनेज करने के लिए कोच में वो स्किल्स भी होनी चाहिए। ऑल्दो इट इज़ नॉट डायरेक्टली रिलेटेड टू कोच बट बिकॉज कोच इज पार्ट ऑफ द मैनेजमेंट तो समटाइम कोचेज वॉलंटियर करते हैं कि वी विल लुक आफ्टर दिस। तो ये हो गई कोच की पर्सनैलिटी ट्रेट्स। अब हमें देखना है कि जी कोच की जॉब डिस्क्रिप्शंस क्या है, कौन कौन से वो शोबे हैं, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ मतलब इट इज नॉट डिफाइंड कि कोच कौन सी चीजें मैनेजमेंट के जुम्मे हैं और कौन सी चीजें कोच के जुम्मे हैं, समटाइम ये वो मिक्स हैं। तो मेरी नजर में कोच के जुम्मे नंबर वन तो कोच के जो प्राइम ऑब्जेक्टिव है टू एनहेंस द परफॉर्मेंस और उसको वो लेके जाना। जब हम परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो यहाँ पे मैं मतलब आई वुड लाइक टू शेयर के यूजुअली परफॉर्मेंस को इस परस्पेक्टिव में देखा जाता है कि आप जीत गए, ठीक है, आपने मेडल ले लिया। मेडल समटाइम आपको लकीली भी मिलता है, ड्रॉज कुछ इस तरह के बन गए, कुछ आपके कंपेटिटर के साथ मिसहैप हो गया और आप जीत गए, या कुछ भी हैपनिंग्स हो सकती हैं और आप जीत गए। मेरी नजर में परफॉर्मेंस ये है कि लाइक फॉर एग्जांपल जो मैं मतलब वेरी मच इन है हो सकती है लाइक अगर एक बच्चा या एथलीट 11 मिनट में 100 मीटर परफॉर्म करता है और वो गोल्ड मेडल ले लेता है, ठीक है जी, और वो बच्चा आफ्टर 6 मंथ ट्रेनिंग वो 10.5 या 10.4 में 100 मीटर करता है लेकिन वो सिल्वर मेडल लेता है या ब्रॉन्ज मेडल लेता है या कोई मेडल नहीं लेता, तो व्हाट डू यू थिंक? जब वो 11 सेकंड परफॉर्म करके मेडल लेके आया, एवरीबॉडी अप्रेज हिम, कंग्रेचुलेशन, वाओ हम जीत गए जी, एक्सीलेंट, जबरदस्त। Whereas, 11 से वो 10.5 पे आ गया है विद द हेल्प एंड कोलैबोरेशन, मतलब अच्छी मेहनत के साथ, लेकिन जीत नहीं सका एंड नोबडी अप्रिशिएट हिम, इट्स अ डायलमा, क्योंकि वो उसने प्रोग्रेस किया है, उसने इम्प्रूव किया है और उसके मुकाबले में कोई कई दफा खिलाड़ी चेंज होते रहते हैं, आपने एक प्लान किया होता है, दूसरे खिलाड़ी आ जाते हैं, दूसरा आपसे ज्यादा टैलेंटेड है, तो आप मेरा पॉइंट समझ गए हैं कि मतलब द परफॉर्मेंस शुड बी लाइक परफॉर्मेंस ओरिएंटेड, नॉट द रिजल्ट ओरिएंटेड। अच्छा, ये चीज है वहां पे जहां पे स्टॉपवॉच या मेजरिंग टेप है या इंडिविजुअल स्पोर्ट्स है लाइक वेट लिफ्टिंग है और आपकी या परफॉर्मेंस को जहां पे गेज किया जा सकता है। समटाइम टीम स्पोर्ट्स में परफॉर्मेंस को गेज करना कंपैरेटिवली मुश्किल होता है, वहां पे वो जीत ही परफॉर्मेंस का इंडिकेटर होता है और उसको वो देखा जाता है, लेकिन उसमें भी फैक्टर्स होते हैं। तो मैं इससे आगे निकल चाहूंगा परफॉर्मेंस के साथ किस तरीके से कोच जो है वो डेटा एनालिसिस करना, सेंट रिकॉर्ड कीपिंग, नॉट रिकॉर्ड कीपिंग इन, मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि खिलाड़ियों की परफॉर्मेंस की रिकॉर्ड की और उसकी स्टैटिस्टिकल एनालिसिस का, ये भी कोच की डिस्क्रिप्शन में है। रिपोर्ट राइटिंग किसी भी वेंचर की, कैंप ट्रेनिंग से लेके कंपटीशन और पोस्ट कंपटीशन, उसकी रिपोर्ट बनाना,
मेरी नजर में मे बी शहबाज साहब या आमिर साहब इससे वो डिसएग्री करें कि ये मैनेजर का काम है रिपोर्ट बनाना, कोच की अपनी फ्रॉम द कोचिंग पर्सपेक्टिव एक रिपोर्ट होगी और उसमें वो चीजें उसकी होंगी। अब मैं यहाँ पे बात इन्फेक्ट करना चाहूंगा उसकी कोच की ट्रेनिंग के हवाले से, कोच की इम्पोर्टेंस और वैल्यू। यहाँ पे मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ। इन 2006 में पाकिस्तान की रोइंग टीम, इनफैक्ट मैं एग्जांपल इसलिए दे रहा हूँ कि शहबाज साहब भी बीइंग अ सेक्रेटरी रोइंग फेडरेशन यहाँ पे बैठे हुए हैं, मे बी ही नोज। इन 2006 रोइंग टीम जो सैफ गेम्स में, साउथ एशियन गेम्स में अपने टाइटल्स को डिफेंड करने के लिए जा रही थी, 6 out of 7 टाइटल्स को डिफेंड करने के लिए, वन ऑफ द बेस्ट एंड द मोस्ट फेवरेट टीम is going for the SAF games, और उस टीम को पाकिस्तान में जो ट्रेन कर रहे थे वो साहब ने वॉलंटियर किया था, he has a good coaching background and from America, तो उनका अमेरिका का एक्सपीरियंस था, not at national level but अच्छे क्लब और अच्छे वो का एक्सपीरियंस था, तो उन्होंने वॉलंटियर किया, तो वो टीम के साथ उन्होंने काम किया, और बट ही यूज टू स्टे इन अमेरिका, ही डोंट नो अबाउट द कल्चर एंड अदर थिंग्स अबाउट पाकिस्तान, राइट जी। एंड ही ट्रेन एंड वो उनको जब बिफोर द कंपटीशन जो उनकी पीरियडाइजेशन थी जो ट्रेनिंग सेशन से, अनफॉर्चुनेटली अ डे बिफोर देयर इज अ हैवी रेन, जिसकी वजह से मतलब जो उनका ट्रेनिंग सेशन या वो प्रैक्टिस सेशन था विच विल बी विद द लाइक उन्होंने रोइंग करनी थी एंड वाटर बारिश की वजह से कुछ ऐसा कि वाटर टेक्निकली वो इट इज नॉट परमिटेड टू ट्रेन ऑन द वाटर, ठीक है जी। तो कोच डोंट वॉन्ट टू spoil his training session, और वो उन्होंने कहा कि जी मैंने training session off नहीं करना, मैंने इनको training करवानी है, और वो उनको training के लिए ले गए beach side पे, और वहाँ पे उन्होंने उनको like endurance के लिए या उनको footwork वगैरह इस तरह की चीजें करवानी। अब it is very simple, it's very common sense, एक very मतलब एक बड़ी आसान सी चीज है, I don't know कैसे उन कोच साहब से ये गलती हो गई कि उन्होंने वो फटलक करवाई और फटलक में और सैंड के ऊपर करवाई। अब सैंड की के ऊपर रनिंग जिन लोगों ने की हुई है दे नो इट इज वेरी हार्ड टू रन ऑन द सैंड क्योंकि वो नीचे से बस किक पड़ रहा होता है। तो मैं मतलब क्विकली ये मतलब आई डोंट वांट टू वेस्ट टाइम, मैं क्विकली वो करना चाह रहा हूँ और वो मैं सिनेरियो बिल्डअप कर रहा हूँ कि उन्होंने वो किया और चूंकि वो मसल्स यूज नहीं होते, नेक्स्ट डे द होल टीम वाज स्टिफ बिकॉज दे उन्होंने वो मसल्स यूज नहीं किए हुए थे और वो स्टिफ थे और वो अपना मुकाबला और ऑफ कोर्स स्टिफनेस से बिफोर अ सीरियस कंपटीशन, आप स्टिफ हो तो आपका क्या लाइक आप कंपटीशन में क्या परफॉर्म करेंगे व्हेन यू आर गोइंग टू डिफेंड योर टाइटल्स, और मुकाबला भी जब सख्त हो दो साल के बाद, दूसरी टीमें भी तैयारी के साथ आई हुई हैं, तो यू कैन इमेजिन एंड यू कैन इमेजिन द स्मॉल, मैं इनोसेंट भी नहीं इसको कह सकता, मेरा दिल कर रहा है मैं इसको इनोसेंट कहूं, बट स्मॉल सिली मिस्टेक कॉन्सिक्वेंसेस इसके क्या थे, आवर टीम लॉस्ट मैनी मेडल्स और परफॉर्मेंस क्योंकि खिलाड़ी तो अब स्टिफ थे। तो मतलब कोच की अहमियत इतनी इंपॉर्टेंस है कि आप अभी हम स्पोर्ट्स मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं, सारा कुछ वो मतलब डिस्कस हो रहा है। आई वुड लाइक टू आस्क एट द एंड हु इज द मेन स्टेक होल्डर, who is on the front stage जो परफॉर्म करेगा, खिलाड़ी जी 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 जिसको एंटरटेन करेंगे, लोग देखेंगे टीवी टेलीविजन स्क्रीन पे स्टेडियम में जाके, और वो सारा सेटअप जिसकी आप बात कर रहे हैं वो खिलाड़ी है, और खिलाड़ी इज सुपरवाइज्ड एंड कोच बाय, और अगर वो कोच, और अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में मैं एक और आपको एग्जांपल देता हूँ, यूजुअली मेरी एग्जांपल्स ऐसी होती हैं कि आप 1 crore रुपए की गाड़ी लेके और 15,000 रुपए के मुलाजिम ड्राइवर को दे देते हैं, लो इस गाड़ी को ड्राइव करो, ठीक है, और इसी तरीके से आप एक बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है और आप 12,000-14,000 रुपए का सिक्योरिटी गार्ड जो बेचारा मतलब वो इस काबिल नहीं होता और आप उसके जुम्मे वो काम लगा देते हैं। सेम लाइक एक खिलाड़ी जिसने बचपन से कैरियर पाथवे लेके चल रहा है, इस लेवल पे पहुंचा है, अब वो कैंप में है, देयर आर सो मेनी थिंग्स, मैनेजमेंट इन्वॉल्व हो गई है, और आप एक ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए सारी स्ट्रगल कर रहे हैं, बहुत सी मतलब ऊपर नीचे चीजें जा रही हैं, कॉरेस्पॉन्डिंग हो रही है, स्पॉन्सरशिप पैसे लिए जा रहे हैं, आपका एक विजन है, स्पोर्ट्स पॉलिसी है, ये है वो है, मतलब सो मेनी थिंग्स, बट
अनफॉर्चुनेटली कहते हुए मतलब वो कहे जी, और पाकिस्तान के प्रस्पेक्टिव में देखें तो कोच का जब टॉपिक आता है तो उसके ऊपर कोई वो उस तरह की सीरियस कंसिडरेशन, उस तरह का सीरियस वर्क नहीं किया जाता। और मैं ये नहीं कहूंगा कि किसी भी बंदे को कोच लगा दिया जाता है, लेकिन मोस्ट ऑफ टाइम किसी ऐसे बंदे को भी कोच लगा दिया जाता है जिसका जिसकी वो एक्सपर्टी या वो नॉलेज नहीं होता कि वो उसको टेक केयर कर सके और आपके ख्वाब को हकीकत में ले जा सके। तो यहाँ पे मतलब द रोल ऑफ कोच इज वेरी इंपॉर्टेंट। कोच ही वो पर्सन है जो आपके ख्वाबों को और इन सारी चीजों को मुकम्मल करता है। ठीक है जी, तो ये थे मेरे कुछ कोच के हवाले से अभी। अब लेट मी कंप्लीट, मैं एक पहलू मिस कर गया। अब ये तो कोच की अहमियत हो गई। अब कोच इन मॉडर्न आज के दौर में कोच की अहमियत दो प्रस्पेक्टिव में, ट्रेनिंग प्रस्पेक्टिव में मैं बात इनफेक्ट करना चाहता हूँ। एक वो तरीका था जो आज से 15 या 20 साल पहले ट्रेनिंग होती थी, उस वक्त इम्फेसाइज हार्डवर्क के ऊपर होता था, मेहनत के ऊपर होता था। हमारे खिलाड़ी जो हमारे लेजेंड्स, और पाकिस्तान एक जमाने में बहुत अच्छा था स्पोर्ट्स में, नॉट ओनली द एशिया लेवल, ऑन द कॉमनवेल्थ लेवल, और खास तौर पे वो स्पोर्ट्स जो लाइक एथलेटिक्स और रेसलिंग और वेट लिफ्टिंग, इनमें पाकिस्तान बहुत अच्छा परफॉर्म करता रहा। देर आर सो मैनी अदर्स एज वेल, रोइंग, यॉटिंग, बॉक्सिंग, मार्शल आर्ट स्पोर्ट्स। तो वक्त के साथ साथ जब साइंस ने इनकॉर्पोरेट किया और दुनिया साइंस को इनकॉर्पोरेट करके परफॉर्मेंस को इनहेंस करके बहुत आगे चली गई, वेयर एज हमने साइंस को रेजिस्ट किया या उस तरीके से अडॉप्ट नहीं किया और हम मेहनत के ऊपर ही डिपेंड करते रहे, और हमारा जो दुनिया से जो गैप था वो ज्यादा हो गया। अब इस गैप को पूरा किया जा सकता है नॉट विदाउट द हेल्प एंड सपोर्ट ऑफ स्पोर्ट्स साइंसेस सब्जेक्ट। और स्पोर्ट्स साइंसेस जो है वो नॉट ओनली वो आएगी थ्रू कोचिज विल ब्रिंग स्पोर्ट्स साइंसेस, दे विल टेक द स्पोर्ट्स साइंसेस, एग्जीक्यूट इट ऑन द कोचिज, ऑन द प्लेयर्स फॉर एनहेंसमेंट ऑफ देयर परफॉर्मेंस। अपेरेंटली चीजें वही हैं, मेथड्स अब भी वही हैं, लेकिन इंटेंसिटी क्या चीज है, वॉल्यूम क्या चीज है, रिकवरी कितनी होनी है। यहाँ पे मैं एक एग्जांपल दूंगा जी, के जिम में दो तरह के लोग जाते हैं, एक वेट को इम्प्रूव, मतलब वो स्किनी है, वीक है, फील करते हैं और वो हेल्दी होना चाहते हैं, तो व्हाट दे विल डू, दे विल ज्वाइन अ जिम। एक बंदा हेल्दी है, उसका वेट ज्यादा है और वॉन्ट टू रिड्यूस जिम, वॉन्ट टू रिड्यूस वेट, और जिम में जाता है, द सेम डंबल्स, द सेम प्लेट्स, द सेम रॉड्स एंड द सेम एक्सरसाइज, बट द बोथ पर्संस विल अचीव टू डिफरेंट अप्रोचेस। जिसका वजन कम है वो वजन अचीव कर लेता है, जिसका वजन ज्यादा है वो वही डंबल प्लेटे रॉड इस्तेमाल करके अपना वजन कम कर लेता है। व्हाट इज द डिफरेंस, द डिफरेंस इज द मेथडोलॉजी, द ऑब्जेक्टिव टू डू द ट्रेनिंग। ठीक है जी, और कोच उनको वो मेथड बताते हैं वो, और अगर उनको वो पता नहीं तो अपीरेंटली मतलब फिर वो कर तो वो दोनों वही एक्सरसाइज रहे हैं। द ओनली डिफरेंस इज द इंटेंसिटी, वॉल्यूम एंड रिकवरी, उससे आप जो आप वेट बढ़ा भी सकते हैं और वेट कम भी कर सकते हैं। तो जी जी, थैंक यू, मतलब ये वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत शुक्रिया तारिक साहब, आपने बड़ा अच्छे तरीके से हमें समझाया कि किस तरह से जो है स्पोर्ट्स में कोच जो है अपनी ट्रेनिंग को मैनेज करना चाहिए उसको। यकीनन ये वही बात है जो हम कुछ देर पहले शहबाज साहब ने की, उससे पहले जनाब आमिर बिलाल साहब ने की, अगर मैं सही नहीं समझा तो मुझे करेक्ट करेंगे आमिर बिलाल साहब, कि ये वही प्रोफेशनल अप्रोच है जिसकी हम सब बात कर रहे हैं, कि ये जो मॉडर्न साइंसेज हैं और जो मैनेजमेंट के जो नई थीरीज हैं और इसके अंदर जो स्पेशलाइजेशन हुई है वक्त के साथ साथ, जो प्रोफेशनल अप्रोच आई है जिसकी हमने शुरू में बात की कि जी हम चाहते हैं कि हमारे मुल्क के अंदर जो है वो एक प्रोफेशनल अप्रोच आए ताकि हमारी स्पोर्ट्स के स्टैंडर्ड्स जो हैं वो बेहतर हों। तो जनाब बिलाल साहब, आप क्या इसमें कहेंगे कि क्या ये वही बात नहीं कर रहे जो हम सब बात कर रहे हैं इस वक्त के स्पोर्ट्स मैनेजमेंट में प्रोफेशनल अप्रोच की ज़रूरत है, जैसे कि इन्होंने एक अप्रोच। जी बिल्कुल अबू जफर साहब, बिल्कुल सही बात आपने कही है, और
बाय एंड लार्ज सारी बातों का एक ही ऑब्जेक्टिव था कि कैसे हम अपने मुल्क में स्पोर्ट्स के स्टैंडर्ड्स को बेहतर कर सकते हैं। दो चीज़ों के बारे में मैं मुख्तसरन सा अर्ज़ करूंगा क्योंकि शायद अब आपके पास वक्त कम रह गया होगा। एक तो यह कि ये जो कोचिंग के हवाले से जो अभी तारिक साहब ने बात की, ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट है और मेरे ख्याल में इसमें पूरा एक अलहदा हमें सेमिनार की ज़रूरत है कि कोच और कोच की इम्पोर्टेंस। मेरे तो क्योंकि घर में ये चीज़, मेरे वालिद साहब खुद इंटरनेशनल बास्केटबॉल कोच थे, पाकिस्तान में बास्केटबॉल की बुनियाद डाली और पाकिस्तान आर्मी को 20 साल लगातार नेशनल चैंपियन बनाया और बड़े बड़े एशियन लेवल तक जो पाकिस्तान की स्टैंडिंग्स थी तब बास्केटबॉल में वो हुई। सो मैं इस चीज़ को बहुत अच्छी तरह से समझता हूँ कि कोच की क्या पर्सनैलिटी होती है और उसको उसकी क्या इंपॉर्टेंस होती है। इस पर कभी बात करेंगे इंशाल्लाह। एक जो सवाल एक बच्ची का आया था बीच में कि बैकवर्ड एरियाज में स्पोर्ट्स को हम क्या कर सकते हैं, मैं थोड़ा सा उस पर जाना चाहूँगा। बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल था क्योंकि मेरी अपनी मास्टर्स एंड एमफिल स्पोर्ट्स फॉर डेवलपमेंट में है और स्पोर्ट्स फॉर डेवलपमेंट बुनियादी तौर पे मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स और जो आपके SDGs हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हो गए, जो 17 SDGs जो पहले 8 MDGs थे उसकी अचीवमेंट के लिए यूज की जाती है, उसके अंदर ये एक आस्पेक्ट होता है कि आपने वुमेन एम्पावरमेंट के लिए और ओवरऑल जो इसके अलावा जो हमारे बैकवर्ड एरियाज हैं उसमें स्पोर्ट्स की प्रमोशन के लिए और वहाँ पर कम्युनिटी को इन्वॉल्व करने के लिए और कम्युनिटी को एम्पावर करने के लिए स्पोर्ट्स को कैसे इस्तेमाल करना है, इस पर भी कभी एक अलहदा प्रोग्राम मैं समझता हूँ कि करने की ज़रूरत है और मैं इस पर ज़रूर चाहूँगा कि डिटेल से इस पर बात हो कि ये सारी दुनिया में कैसे किया जा रहा है। फिलहाल मैं एक बात जो इन सारी बातों को शायद सम अप कर दे, मैं एक प्रोग्राम यूके में हुआ जिसको हम कहते हैं स्प्लिस 2.0। ये 15 डिस्टिंक्ट नेशंस थीं जिन्होंने इस प्रोग्राम में हिस्सा लिया। ये एक रिसर्च प्रोजेक्ट है प्राइमरीली। इसमें 53 रिसर्चर्स थे स्पोर्ट्स के, 33 पॉलिसी पार्टनर्स थे वर्ल्ड वाइड, 300 हाई परफॉर्मेंस एथलीट्स थे, 1300 प्रोफेशनल कोचेस थे एंड मोर देन 240 परफॉर्मेंस डायरेक्टर्स थे। इन्होंने क्या रिसर्च करके चीज निकाली, मैं वो थोड़ी सी आपसे शेयर कर लेता हूं कि उससे आपको ये पता चल जाएगा कि एक स्पोर्ट्स सिस्टम्स में, एक सिस्टम्स कॉन्टेक्स्ट में वो क्या चीजें हैं जिनका होना जरूरी है, जिसके बगैर आपकी स्पोर्ट्स का स्ट्रक्चर एग्जिस्ट नहीं कर सकता। और वो अगर स्ट्रक्चर नहीं होगा तो स्पोर्ट्स मैनेजमेंट, स्पोर्ट्स एडमिनिस्ट्रेशन, कोचिंग, ये सब बात की बातें आ जाएंगी। पहली चीज अगर हम सिस्टम कॉन्टेक्स्ट में देखें, तीन चीजें होती हैं जो लोग मैनेजमेंट साइंसेस जानते हैं उनको पता है, इनपुट, थ्रूपुट एंड आउटपुट। हम जब भी कहें कि कोई सिस्टम खराब है तो उसमें हम कहते हैं जी इस सिस्टम में या तो इसका इनपुट खराब है या इसके थ्रूपुट में कोई खराबी है, इस वजह से इसका आउटपुट ठीक नहीं आ रहा। अब हम देख लेते हैं स्पोर्ट्स के इनपुट में क्या चीजें हैं। स्पोर्ट्स के इनपुट में 3-4 बुनियादी पिलर्स हैं। पहला पिलर है फाइनेंशियल सपोर्ट, जो प्राइमरली गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हाँ, इसके साथ अब जो मॉडर्न तरीका आ गया है वो प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप का और CSR प्रोग्राम्स का है, जिसके जरिए आप फाइनेंशियल सपोर्ट को जो है एड ऑन कर सकते हैं। दूसरा जो पिलर है इम्पॉर्टेंट वो है गवर्नेंस, ऑर्गेनाइजेशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ स्पोर्ट्स पॉलिसीज। स्पोर्ट्स पॉलिसीज पे गालिबन आपने एक प्रोग्राम भी करना है एंड साउंड नेशनल गवर्निंग स्पोर्ट्स बॉडीज, ये होंगी तो सेकेंड पिलर खड़ा होगा। थर्ड पिलर जो है आपका वो है फाउंडेशन एंड पार्टिसिपेशन इन स्पोर्ट्स एट ऑल लेवल, विच मीन्स स्टार्टिंग फ्रॉम दी वेरी अर्ली चाइल्डहुड टिल दी एलीट परफॉर्मेंस। उसके बाद ये जो तीन पिलर्स हैं, इसके बाद चौथा पिलर आपका परफॉर्मेंस आता है जिसमें टैलेंट डेवलपमेंट और टैलेंट आइडेंटिफिकेशन है। पांचवा पिलर पोस्ट कैरियर एथलेटिक कैरियर सपोर्ट है। छठा पिलर ट्रेनिंग फैसिलिटीज, जो आपको पता है कितनी है कितनी नहीं है। सातवां पिलर कोचिंग प्रोविजन एंड कोच डेवलपमेंट, जिसकी अभी सिद्धू साहब बात कर रहे थे। आठवां पिलर इंटरनेशनल कॉम्पिटिशंस, जो आपके यहाँ नहीं हो रहे। और नौवां पिलर साइंटिफिक रिसर्च एंड इनोवेशन, जो आपके यहाँ ना होने के बराबर है। ये नौ पिलर होंगे तो इन नौ पिलर के जरिए वो थ्रूपुट आएगी जो एक क्वालिटी आउटकम में
तब्दील होगी, जिसको आप एलीट स्पोर्ट्स कहते हैं, जिसमें मॉनिटरिंग, मीडिया एंड स्पॉन्सरशिप भी आ जाती है। इन शॉर्ट ये कि आपके यहाँ अगर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में और क्लब स्पोर्ट्स में ऑर्गेनाइज स्पोर्ट्स नहीं है, वहाँ पर कोचेज एम्प्लॉयड नहीं हैं, गोल ओरिएंटेड ट्रेनिंग और स्पोर्ट्स नहीं हो रही, और बच्चे बास्केटबॉल के कोर्ट में टेनिस बॉल से क्रिकेट खेल रहे हैं, और फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं है आपके जो फेडरेशन और बाकी स्पोर्ट्स बॉडीज हैं उनके अंदर, एडिक्वेट ह्यूमन रिसोर्स अवेलेबल नहीं है, फाइनेंसेस अवेलेबल नहीं है, और ये बाकी पिलर्स एग्जिस्ट नहीं करते, तो स्पोर्ट्स मैनेजमेंट, स्पोर्ट्स एडमिनिस्ट्रेशन एट इट्स ओन कैन डू नथिंग अबाउट इंप्रूवमेंट इन स्पोर्ट्स इन पाकिस्तान। आपने तो हमें बिल्कुल ही मायूस कर दिया, हमें मायूसी की इस गहराई में ना डालें। यकीनन ये बहुत से चैलेंजेस हैं। जी बिल्कुल, मैं मायूसी की बात नहीं करना चाहता, बीइंग अ मैनेजमेंट स्टूडेंट, मैं एक सिस्टम्स कॉन्टेक्स्ट के अंदर मैंने बात की है और मैं इस चीज़ को बिलीव करता हूँ। मैंने जहाँ कहीं पर भी इश्यूज देखे हैं, मैंने सिस्टम्स कॉन्टेक्स्ट में इश्यूज को स्टडी किया है। ये जो मैंने आपको मॉडल दिया है, ये एक रिसर्च मॉडल है जो कई कंट्रीज, इसीलिए मैंने पहले बता दिया कि ये मॉडल मेरा बनाया हुआ नहीं है, ये कितने मुल्कों और कितने रिसर्चर्स और कितने लोगों ने इसके ऊपर काम किया है। ये वो मॉडल है जिसकी बेस के ऊपर सारी दुनिया ने अपने स्पोर्ट्स स्ट्रक्चर को डेवलप किया है, जो कि इस वक्त हाई परफॉर्मेंस स्पोर्ट्स के अंदर दुनिया में लीड कर रहे हैं। तो अगर हमने कुछ करना है तो पहले एक फाउंडेशन की जरूरत है। अनफॉर्चुनेटली फाउंडेशन नहीं है, स्पोर्ट्स एजुकेशन प्रोग्राम्स नहीं है, जिसकी वजह से आपके एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में स्पोर्ट्स नहीं है। आप एक इमारत बनाना चाहते हैं, उसकी बुनियाद ही मौजूद नहीं है, आपके पास ट्रेंड कोचेज ही मौजूद नहीं है, आपके यहाँ ट्रेंड वो आपके यहाँ एक स्पोर्ट्स फिलोसफी और स्पोर्ट्स सोशियोलॉजी का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, आपके यहाँ स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट की कमी है, तो आप किस तरीके के साथ अटेम्प्ट करेंगे? और ये सब कुछ आएगा हाँ जब आप यूनिवर्सिटीज के अंदर स्पोर्ट्स मैनेजमेंट के सब्जेक्ट को, स्पोर्ट्स एडमिनिस्ट्रेशन के सब्जेक्ट को ज़रूर लेके आए। लेकिन ये एक एक तरह का आप ये कह लें कि इसके अंदर एक एनवेलपिंग स्ट्रेटजी आपकी होनी चाहिए कि एक तरफ से आपको ह्यूमन रिसोर्स प्रोड्यूस करना है, दूसरी तरफ से आपको डाउन अपवर्ड एक स्ट्रेटजी अपनानी है जिसमें आपको स्पोर्ट्स को वापस एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में ले जाना है, आपको बोगस क्लब्स को ख़त्म करना है, ऑर्गेनाइज्ड क्लब स्पोर्ट्स करनी है, और आपको अपना जो एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर है स्पोर्ट्स का कंट्री में उसके अंदर पंप इन करना है फाइनेंसेस को और ट्रेंड ह्यूमन रिसोर्स को। सो इसमें कोई डिस्पोंडेंसी की बात नहीं है, कोई परेशानी की बात नहीं है, हमें कोई नया व्हील नहीं बनाना। एग्जिस्टिंग व्हील्स जो दुनिया के अंदर जिन्होंने तरक्की की है स्पोर्ट्स के अंदर, इफ वी रियली वांट कि हाँ हम एक स्पोर्ट्स कल्चर को डेवलप करें, ना कि सिर्फ क्रिकेट कल्चर को, तो स्पोर्ट्स कल्चर को अगर आप खाली डेवलप करना चाहते हैं तो फिर ये सब कुछ आपको करना पड़ेगा। फिर लोगों को इसमें जॉब्स भी मिलेंगी, फिर इसके अंदर पैसा भी आएगा, फिर इसके अंदर फेडरेशंस भी फाल हो जाएंगी, और इसके अंदर बहुत सारे एवेन्यूज हैं खुलने के लिए जिसमें स्पोर्ट्स जो है जब वो एक कल्चरल लेवल पर डेवलप होगा और एज अ ह्यूमन इंटेंसिव इंडस्ट्री जब ये डेवलप होगी तो फिर इंशाल्लाह कोई इसमें हमें ना तो परेशान होने की ज़रूरत है और ना ही हमें इसमें मायूस होने की ज़रूरत है, हमें सिर्फ इसमें दुरुस्त रास्ता अपनाने की ज़रूरत है। दिस वॉज व्हाट आई वांटेड। जी, मेरा ये ख्याल है कि आपने जो आइडियल सिचुएशन और जो मॉडर्न वर्ल्ड की जो है जो पिलर्स हैं उनका जिक्र किया है, और हम भी उम्मीद रखते हैं कि मौजूदा हमारी हुकूमत के जो प्राइम मिनिस्टर हैं एक स्पोर्ट्स मैन हैं, और उन्होंने इसमें कोशिश भी की कि कमेटी बनाई आता ही और टास्क फोर्स, और उसके बाद जो है क्या कहते हैं उसने एक स्पोर्ट्स पाकिस्तान का नया कॉन्सेप्ट मॉडर्न जो है वो जो है उसके ऊपर काम भी हुआ, और अभी हमने देखा कि शायद उसी की रोशनी में हमारी मिनिस्टर साहबा ने, तमीदा मिर्जा साहबा ने स्पोर्ट्स बोर्ड को रिकॉन्स्टिट्यूट किया, उसकी कमेटी को रिकॉन्स्टिट्यूट किया, और देर इज़ समथिंग इन द एयर के जी गोइंग टूवर्ड्स द डायरेक्शन वी ऑल आर टॉकिंग अबाउट। इसके बारे में शहबाज साहब आप क्या कहेंगे, जो हमारी सिचुएशन है इन हालात के अंदर जो मौजूदा गवर्नमेंट की जो पॉलिसी चल रही है, तो क्या स्पोर्ट्स पाकिस्तान यूके के मॉडल को अगर हम यहाँ अप्लाई करते हैं तो जो स्पोर्ट्स मैनेजमेंट का प्रोफेशनल अप्रोच है तो उसमें किस हद तक हमें कामयाबी हो सकती है, या वो अप्रोच हमारी सोसाइटी में किस हद तक
एप्लीकेबल है या किस हद तक एडेप्ट की जा सकती है, उसको हमें अडॉप्ट करना होगा। जी शहबाज साहब, आप इस बारे में क्या कहते हैं? सर फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमें एक चीज अंडरस्टैंड करनी है, जो बेसिकली आपके एक्शंस हैं वो रिफ्लेक्ट कर रहे होते हैं व्हाट द रिजल्ट्स आर गोइंग टू बी। सो हमारी अभी जो आपने अभी जो बात की कि हमारी जो गवर्नमेंट है, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब हैं, उन्होंने स्पोर्ट्स के लिए एक विजन शो किया, फहमीदा मिर्जा साहिबा के कुछ एक्शंस भी थे स्पोर्ट्स कमेटी को रिकॉन्स्टिट्यूट करने के, बट अगेन आर द इम्पॉर्टेंट स्टेक होल्डर्स पार्ट ऑफ दैट कमेटी? इज एनी इनपुट वॉज टेकन फ्रॉम ऑल द स्टेक होल्डर्स? No, we were, I will not say just, I am representing, for example, an academia. Kya academia kahin bhi on board tha? Like Amir Bilal sahab ne bahut clearly ek cheez identify ki research is totally missing. If research is missing, then do we really understand what the problem is? Hum to yehi samajhne se kaasir hain ki problem kya hai. Agar hum UK ka model laayenge, हम उसे अडॉप्ट या अडेप्ट करने की बात करेंगे, बट डू वी रियली हैव दैट ह्यूमन कैपेसिटी, ह्यूमन रिसोर्सेस, हु विल बी एबल टू एक्चुअली इम्प्लीमेंट, और क्या उन्हें रेजिस्ट नहीं किया जाएगा? बिकॉज हम जो हैं बेसिकली वो जैसे तारिक सिद्धू साहब ने कोचिंग में जब डिस्कशन हो रही थी, कोचिंग में एक चीज डिस्कस की, हम एब्सोल्यूट मेथड्स को फॉलो करने पर यकीन रखते हैं, हम इनोवेशन, हम साइंटिफिक डेवलपमेंट को नहीं फॉलो करने के लिए तैयार। जी जी शहबाज साहब, असल में जो कॉन्सेप्ट है उसमें यही है कि जी वो इसी तरह का ह्यूमन रिसोर्स भी एंगेज होगा प्राइवेट सेक्टर से, उसको एक प्राइवेट सेक्टर का जो है कोई बंदा हेड करेगा, तो वो प्रोफेशनल अप्रोच ही है जिसकी हम सब बात कर रहे हैं। तो मैं तो ये ख्याल है कि वो उसको अगर हम अडेप्ट करते हैं तो वो बड़ा प्रैक्टिकेबल है। जैसे हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड का जितना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है और उससे क्या हमें रिटर्न मिल रहा है, जबकि उसकी जो हम कोई पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की जो भी हमने बात की उसके अंदर या जो दूसरा मॉडल जो आइडियल है उसमें लेके आए तो उससे कितने रिसोर्सेज जनरेट करके स्पोर्ट्स डेवलपमेंट के लिए जो है वो किए जा सकते हैं। तो मेरा तो ख्याल है बात तो वही है, लेकिन शायद किसी और पराये में आप देख रहे हैं, मैं शायद किसी और पराये में देख रहा हूँ, इसके बारे में आप। सर देखें, आप जो बात कर रहे हैं आप उसे एक इन अ पॉजिटिव वे देख रहे हैं, मेरा आप कह सकते हैं आई एम जस्ट लुकिंग इट इन अ बिट ऑफ नैरो अप्रोच बिकॉज ऑफ माय एक्सपीरियंस, कि अल्टीमेटली द वंस और द डेमोक्रेटिक जो एक प्रैक्टिस है, जो हम गवर्नेंस की बात करेंगे कल जब हम एडमिनिस्ट्रेशन में, एंड वी विल सी व्हाई डेमोक्रेसी इज द perfect and most favorite pillar that is being practiced. क्यों practice किया जाता है इन गवर्नमेंट? जी तारिक साहब से input लेते हैं सर, आप क्या कहेंगे इस बारे में जो sports reform और UK model को adopt करने की बात हो रही है? तारिक साहब जी, in fact जी मुझे ऐसा लगता है कि अभी we don't have that capacity जिसको कोशिश, पहले हमें कैपेसिटी इनहेंस करनी है, पैसे उसको बिल्ड करनी है, पहले लोगों को आइडेंटिफाई करना है, फिर उस मॉडल को लेना है। हम मॉडल को पहले ले लें और उसके बाद फिर लोगों को ढूंढना शुरू करें, और अगर हमें लोग नहीं मिलेंगे और वो लोगों की कैपेसिटी नहीं होगी देन व्हाट विल वी डू? जी आमिर बिलाल साहब, आप क्या कहेंगे इस मॉडल के बारे में? लोगों की कैपेसिटी रिसर्च डेवलप करना। जी मैं सिद्धू साहब की और शहबाज साहब दोनों की बातों से एग्री करूंगा, ख़ास तौर पे शहबाज साहब जिन्होंने कहा कि अगर हमारे पास उसकी रिसर्च और रिसर्च बेस्ड एविडेंस मौजूद नहीं है और हमने स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड ही नहीं लिया हुआ, तो मॉडल आप कोई भी उठा लें। मैं तो कहता हूं कि आप कोई भी मॉडल ले लें, आप ब्रिटिश मॉडल ले लें, आप ऑस्ट्रेलियन मॉडल ले लें, आप यूएसए का मॉडल, यूएसए का तो खैर चलें छोड़ें, लेकिन कोई भी बाहर का और मॉडल उठा लें, आप उसको तभी पाकिस्तान में उसका कुछ परसेंटेज जो है वो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं जब आपके पास अपना जो घर है उसका आपने रास्ता सीधा किया होगा। मैं इसकी एग्जांपल आपको अंगेन हंगेरियंस के उससे दूंगा, जब हमने उनको यहाँ बुलाया और उनके साथ जब डिटेल से बातचीत हुई तो एंड पे उन्होंने हमें ये कहा
कि देखें अगर हम एट द स्केल ऑफ 10 देखें तो हम एट द स्केल ऑफ 10 बाय वर्च्यू ऑफ एलीट परफॉर्मिंग स्पोर्ट्स में और ओलंपिक मेडल्स में हम 10 में से 8 नंबर पे हैं, आप 10 में से 1 पर भी नहीं हैं। हमें आपको 1 से बिल्ड करके ऊपर लाना है, सो वी हैव टू कम डाउन एट योर लेवल। हमें पहले आपके इश्यूज को आइडेंटिफाई करना है, आपकी कैपेसिटी बिल्डिंग करनी है, आपके रिसोर्सेज को एनहेंस करना है, उसके बाद हम आगे चलेंगे। सो इट इज़ नॉट गोइंग टू बी दैट अ सिंपल टास्क कि हम 4 कोचिज को लाएंगे और आपकी कुछ 3 फेडरेशनें सिलेक्ट कर लेंगे हज जो थोड़ा बेहतर परफॉर्म कर रही हैं और वो भी सेफ लेवल पे। आई एम सॉरी टू से, मेरे नज़दीक सेफ लेवल इज नो लेवल। तो और इस सेफ लेवल की वजह से आज हम ये दिन देख रहे हैं। तो वो कोई वक्त था जब हम सिर्फ एशियन गेम्स की और ओलंपिक्स और कॉमनवेल्थ की बातें किया करते थे। तो अब अगर हम वो स्पोर्ट्स, मैं खुद उसमें रहा हूँ, जहाँ 10-12 मुल्क एक नॉन ओलंपिक गेम है वो खेलते हैं और उसकी बेस पे हमने उसको सर पे उठाया हुआ है, इसी तरह हमने सैफ की बेसिस के ऊपर बहुत सारा जो है ना, सॉरी टू से, मैं समझता हूँ कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें की हुई हैं जो नहीं होनी चाहिए हमारी स्पोर्ट्स में। और अगर हम वाकई कोई परफॉर्मेंस चाहते हैं और हम चाहते हैं कि हम इंटरनेशनल लेवल पे एक ऐसी कंट्री के तौर के ऊपर सामने आएँ जिसको रिस्पेक्टेबल नज़रों से देखा जाए, वी आर अ न्यूक्लियर कंट्री और वी आर अ कंट्री ऑफ, देखिए ना कितने 22 करोड़ अवाम है हमारे पास, ह्यूमन इंटेंसिव इंडस्ट्री है, तो भाई फिर मसला क्या है? तो ये सारा कुछ जो है ये सिर्फ प्रायोरिटीज को सीधा करने की बात है। हमारे पास हर तरह की टेरेन है, हर तरह के लोग हैं, हर तरह की कि उनके मसल्स हैं, हर तरह की उनकी हाइट्स हैं, हमारे पास तो अल्लाह का दिया हुआ सब कुछ है। सिर्फ मसला ये है कि हमें अपने स्टैट्स सीधे करने हैं, हमें अपने होमवर्क सीधे करने हैं, उसके बाद मॉडल कोई भी ले आए, इंशाल्लाह इट इज गोइंग टू बी सक्सेसफुल। मैं ऐड करना चाहूंगा, अबुजर साहब, ऐड करना चाहूंगा इसी को मैं एक्सपेक्ट लेके चलूंगा, हमें अपनी कैपेसिटी बिल्डिंग करनी है, अपनी प्रोफेशनल डेवलपमेंट करनी है, अपने कोचेस को डेवलप करना है कि वो हमारे खिलाड़ियों को हैंडल करें। जब हम बाहर से एक कोच को ले आते हैं तो जो एक सबसे बड़ा हमें मसला होता है, लैंग्वेज बैरियर। जी जी जी। अब वो कोच अपनी जुबान में, अपने प्रोस्पेक्टिव में जो उसने वो सीखा हुआ है, वो हमारे ना वो हमारे खिलाड़ियों की कल्चर को जानता है, ना उनकी लैंग्वेज को जानता है, ना उनके और जो देर आर सो मेनी थिंग्स इन कोचिंग। जब कोच खिलाड़ी के जानता ही नहीं, उसके कल्चरल बैकग्राउंड, उसकी वैल्यूज, उसके रिलीजियस, मतलब देर आर सो मेनी प्रोस्पेक्टिव जो कोच को जानना जरूरी है। अंटिल ही डोंट नो, वो उसको अपना वो नहीं कर सकता। वो कोच तो मेंटोर होता है खिलाड़ी के लिए, कोच तो लाइक सब्स्टिट्यूट पेरेंट की तरह होता है कि खिलाड़ी और कोच और खिलाड़ी का रिश्ता तो मतलब एक पीर और एक मुरीद का रिश्ता होता है कि पीर जो करता है मुरीद वो करता है। और क्या वो फॉरेन कोच पीर बन जाएंगे हमारे खिलाड़ियों के जो उनको अंडरस्टैंड नहीं करते, उनको वैल्यू नहीं करते? तो हमें अपने कोचिज की प्रोफेशनल डेवलपमेंट करनी है, उनको उस लेवल पे लेके जाना है। और एट दी एंड जो बिलाल साहब ने कहा, उसके बाद फिर आप जो मर्जी मॉडल मैनेजमेंट प्रस्पेक्टिव में जो मर्जी मॉडल फॉलो कर ले, लेकिन कुछ चीजों में हमें खुद वो अपने पाँव पे खड़ा होना है। अनफॉर्चुनेटली मैं खत्म करता हूँ, सॉरी टाइम हमारा काफी हो रहा है। हमारी बहुत सी फेडरेशंस ने ये वतीरा बना लिया हुआ है कि फॉरेन कोचेस को बुला ले और सब कुछ उनके जुम्मे लगा दिया और खुद मतलब वो रख के सो गए कि जी फॉरेन कोच आ गया अब सब कुछ हो जाएगा, ऐसे थोड़ा होगा। एक बात आखिरी सिद्धू साहब की बात को कॉम्प्लीमेंट करते हुए कोचिंग के हवाले से, कोच आप मंगाएं बाहर से जरूर मंगाएं, लेकिन उससे उसे अपनी टीम उसके हवाले ना करें, आप अपने कोचेस को उसके हवाले करें। लेट हिम बी द मास्टर ट्रेनर सो दैट ही प्रोड्यूसेस अदर ट्रेनर्स, और उन कोचेस को जो डिफरेंट लेवल के हैं उनको फिर डिफरेंट लेवल्स पर एम्प्लॉय करें, आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे इंशाल्लाह। बहुत अच्छी डिस्कशन जारी है और हम चाहते हैं मजीद बात करें, लेकिन वक्त की कमी की वजह से अब हम चाहेंगे, सवालात भी हमारे पास कुछ मौजूद हैं, क्योंकि जैसे अब शुरू में मैंने जिक्र किया कि हमारा आज का टॉपिक जो है वो स्पोर्ट्स मैनेजमेंट का है और कल हम स्पोर्ट्स एडमिनिस्ट्रेशन पे बात करेंगे, क्योंकि ओवरलैपिंग है तो दोनों बातें साथ साथ चलेंगी। तो वक्त की कमी की वजह से हम इस प्रोग्राम को ख़त्म करना चाहते हैं, और जो हमारे नाज़रीन हैं उनके सवालात हैं वो आज हम नोट कर लिए हैं हमने, और उम्मीद है कि कल हम आपको जब स्पोर्ट्स एडमिनिस्ट्रेशन की बात करेंगे, और जैसे अभी हमने जिक्र किया कि ये ओवरलैपिंग
और एक इंटरचेंजेबल टर्म है और किसी ना किसी लेवल पे उसी तरह की गुफ्तगू जो कि एक बिजनेस ओरिएंटेड और एक माइक्रो लेवल पे हमने की है, वही एक बड़े लेवल के ऊपर और एक मैक्रो लेवल के ऊपर और एक एडमिनिस्ट्रेटिव पर्सपेक्टिव में गवर्नमेंट के हवाले से, खासतौर पे पोस्ट डेवोल्यूशन सिनेरियो के अंदर गवर्नमेंट स्ट्रक्चर्स क्या कर रहे हैं और गवर्नमेंट स्ट्रक्चर के साथ साथ जैसे अभी स्पोर्ट्स पॉलिसी की बात हो रही है उसको रिव्यू करने की बात चली है और खासतौर पे पोस्ट डेवोल्यूशन सिनेरियो के अंदर स्टेक होल्डर्स के क्या रोल हैं, तो हम इस पर कल बात करेंगे और साथ में जो हमारी जो कुछ सवालात रह गए हैं उस पर भी बात करेंगे। अब बहुत बहुत शुक्रिया आपका, मैं तमाम आप नाज़रीन का भी शुक्रगुजार हूँ, बहुत ही अच्छा सेशन रहा। सबसे पहले हमें स्पोर्ट्स मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन में बिलाल साहब ने हमें एक क्लैरिटी लाए, शहबाज साहब ने भी हमें स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन जो नेशनल लेवल की हैं उनके अंदर जो प्रोफेशनलिज्म की कमी है और जो क्या कहते हैं स्पोर्ट्स मैनेजमेंट की जो कमी है और जो के बात मैंने शुरू में की कि एक प्रोफेशनल अप्रोच की ज़रूरत है कि शोबे से मुतलिक लोग जो हैं वो इसको एज ए प्रोफेशनल लें और इसको प्रोफेशनल वे में अडॉप्ट करें, अपने नॉलेज और स्किल्स को इन्हांस करें। जैसे कि सिद्धू साहब ने भी ये कहा कि हमारे जो कोचिज़ हैं और जो हमारे ट्रेनर्स हैं उनकी किस हद तक जो है उनको अपग्रेड करने की ज़रूरत है ताकि हमारे एथलीट बेटर परफॉर्म कर सकें। ये वो तमाम इश्यूज़ हैं कि वो जो तमाम बातें हैं जो कि हमें उस तरफ ले जाती हैं कि हम स्पोर्ट्स को एक प्रोफेशनल अप्रोच में देखें और जो एमर्जिंग जो ट्रेंड्स हैं और जो स्पेशलाइजेशन का दौर है जिसके अंदर हर चीज़ स्पेशलाइज हो चुकी है उस हिसाब से हम अपने ह्यूमन रिसोर्स को तैयार करें। और अब हम कल के प्रोग्राम में इंशाल्लाह इसमें देखेंगे कि किस तरह से गवर्नमेंट लेवल पे एडमिनिस्ट्रेशन हो रही है और उसी एडमिनिस्ट्रेशन का दूसरे लेवल पे क्या कॉम्प्लिकेशंस हैं। स्पोर्ट्स पॉलिसी भी रिवाइज होने जा रही है पोस्ट डेवोल्यूशन के सिनेरियो के अंदर, गवर्नमेंट अपना रोल रीडिफाइन कर रही है फेडरल गवर्नमेंट, उसको भी हम देखेंगे और गवर्नर्स के हवाले से भी बात होगी। सबसे मैं आप तमाम का शुक्रगुजार करता हूँ, जनाब बिलाल साहब का, जनाब शहबाज साहब का, तारिक सिद्धू साहब का, कि आपने हमें वक्त दिया और आपकी जो एक्सपर्टीज हैं और उससे हमने फ़ायदा उठाया। इंशाल्लाह कल हम जो है इस पर बात आगे करेंगे, कल हमारे साथ मज़ीद हमारे जो है रिसोर्स पर्सन होंगे और जो इस पर बात करेंगे। आप इजाज़त चाहता हूँ, बहुत शुक्रिया, खुदा हाफिज़। Thank you.